evening, everyone. I hope I'm properly audible and visible to all of you. All right. So भाई इस क्रैश कोर्स की श्रृंखला में जो हम लोग कर रहे हैं स्टेट जुडिशरी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के लिए, प्राइमरीली फोकस ऑन यूपी जुडिशरी, बट जैसा मैंने आपको हमेशा कहा, ये जो कॉमन सब्जेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं जो लगभग हर स्टेट के जुडिशरी एग्जाम में आते हैं, उनमें से आईपीसी हम कंप्लीट ऑलरेडी कर चुके हैं, 8 क्लासेस हमने उसकी करी हैं। सीआरपीसी हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं इन 7 डिफरेंट क्लासेस। आज से जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो काफी अवेटेड सब्जेक्ट है, सीपीसी, है ना, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। और जैसा मैंने आपको बताया है कि दिस इज नॉट जस्ट अ रिविजन, सिर्फ ये नहीं होगा कि मैं आपको सेक्शन वेक्शन बता दूं और चीजें बता दूं क्या प्रीलिम्स में आती हैं, हम चीजों को समझेंगे भी। और सीपीसी में तो वो रिक्वायरमेंट आप सब समझते हैं कि कितनी ज्यादा जरूरी है, वैसे तो हर ही सब्जेक्ट में है। सीआरपीसी भी हमने जो किया, जहां कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत होती है वहां हमने वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से किया, उतना ही पोर्शन कवर किया, उसको उतना समय और उतने एफर्ट्स दिए। इन दी सेम मैनर सीपीसी के साथ भी हम वही करेंगे, ठीक है? बहुत क्लैरिटी के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश हम लोग करेंगे। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी सीपीसी से रिलेटेड आप सब जानते हैं जो आपको परेशान करती है, कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, सेम टाइटल क्या होता है, डिग्री, ऑर्डर, जजमेंट, तीनों में क्या डिफरेंस है, प्रिलिमिनरी डिग्री क्या है, फाइनल डिग्री क्या है, पार्टली प्रिलिमिनरी पार्टली फाइनल क्या है ना, ये बहुत सारी चीजें सीपीसी से रिलेटेड हैं जो लगभग हर लॉ स्टूडेंट को परेशान करती है। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे जो हम ये 6-7 क्लासेस सीपीसी की करेंगे, इसमें वो उन चीजों पे मैं आपको पूरी क्लैरिटी दे पाऊं। आई विल ट्राई माई बेस्ट फॉर दैट। अच्छा, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि ये जो क्रैश कोर्स अभी हम लोग यूपी फोकस करके कर रहे हैं और जो टारगेट है द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स बिफोर 12th of February, 12 फरवरी के पहले हमें ये कंप्लीट करना है। और जैसा मैंने आपको कहा है कि ये 30 जनवरी के तक ही कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी लास्ट वीक में ही हम इस क्रैश कोर्स को कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि आप जानते हैं ये 20 तारीख से, 20 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था। आईपीसी मैंने आपको 8 क्लासेस में करा दिया, सीआरपीसी हमने 7 क्लासेस में किया, 11 फरवरी को आपका सीपीसी आईपीसी सीआरपीसी और आईपीसी खत्म हो गया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सीपीसी, और जैसा मैंने आपको कहा 7 से 8 क्लासेस में लूंगा सीपीसी के लिए। जहां जरूरत है वहां आराम से अपन कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, कोई जल्दी में नहीं है। और आपका पूरा प्रीलिम्स के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कवर होंगे, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के जुडिशरी एग्जाम के लिए आप जा रहे हैं तो सीपीसी उतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम करेंगे। एंड देन आई विल मूव ऑन टू एविडेंस, और 26-27 तारीख के आसपास ये मेजर सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे। साथ में आप जानते हैं जीएस की रेगुलर डेली क्लासेस चल रही हैं, वो भी आपका 25 जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। ज्यूरिसप्रूडेंस इसी क्रैश कोर्स में ऑलरेडी हो चुका है। ये सारे वीडियोस जो प्लेलिस्ट है क्रैश कोर्स फॉर यूपी पीसीएसजे, उसमें आपके पास अवेलेबल है। जीएस में जो एडिशनल लॉ के सब्जेक्ट्स ऐड हुए हैं उसमें से मेजोरिटी ऑफ लॉज ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं, उनके भी वीडियोस अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट पे। इसके अलावा अभी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की क्लासेस चल रही हैं, और जैसे ही ये खत्म होंगी तो कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली दोपहर में 1 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये साइमल्टेनियसली 2-3 लाइव्स आप देख रहे हैं जिसके थ्रू पूरा यूपी का प्रिलिम्स का सिलेबस हम लोग कवर कर लेंगे बाय 30th जनवरी, ताकि ये सब देखने के बाद 10 दिन आपके पास अलग से हूं सिर्फ और सिर्फ अपना रिवीजन करने के लिए। क्योंकि यहां समझ तो ले रहे हैं हम बात, आपको पता चल जा रहा है एग्जाम में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, आपने थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट भी जान लिए हैं उसके लिए। अब एक चीज जो रह जाती है वो ये है हमारी कि बाद में आपको उन चीजों को याद भी करना है साथ साथ। और जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि एलेक फॉर जुडिशरी का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उस पे इसके सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी हैं, आप उनको भी देते रहिए, जो सब्जेक्ट कंप्लीट होते जा रहे हैं उनके आप टेस्ट भी देते रहिए ऐप पे जाके, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने याद किया है, वो कितना आप रिटेन कर पा रहे हैं, क्या आपकी रैंकिंग है, ये सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं भाई सीपीसी पढ़ना, सिविल प्रोसीजर कोड। और आप जैसा कि जानते हैं इट्स अ प्रोसीजरल लॉ,
इट्स अ सिविल प्रोसीजरल लॉ, ठीक है। तो जिस तरीके से हमने सीआरपीसी को पढ़ा था, जिस तरीके से मैंने आपको एक सीआरपीसी का लेक्चर रिकमेंड किया था, जो इस क्रैश कोर्स का पार्ट तो नहीं था, जो मैं पहले ही यूट्यूब पे अपलोड हम लोग कर चुके थे उसको, कि सीआरपीसी पढ़ते कैसे हैं, उस लेक्चर को जरूर आप देखिए, तो आपको पूरा ओवरऑल एक होलिस्टिक आइडिया लग जाएगा अबाउट द कंप्लीट सब्जेक्ट, अबाउट द फ्रेमिंग, क्या चीज सीआरपीसी में बताई गई है, उसका पर्पस क्या है, क्यों लिखा है, कहां से वो आया, और जो पूरी चेन होती है क्रिमिनल केस की, उसमें कहां फिट होता है, कौन सा चैप्टर, कौन सा प्रोविजन, उसकी जानकारी के लिए वो लेक्चर था। आज मैं सेम काम सीपीसी के साथ करने वाला हूं। मैं आपको पूरी एक सिविल सूट की स्टोरी बताऊंगा, और उसमें सारी चीजें, आपको ऐसा लगता है सीपीसी को देख के कि ये बहुत ही भयानक सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इजी सब्जेक्ट है सीपीसी। अभी जब हम एक डिस्कस करेंगे एक सूट की कहानी, उसमें वो सारी चीजें आ जाएंगी जो इधर लिखी हैं। द ओनली प्रॉब्लम इज कि स्ट्रक्चरिंग आपके समझ में नहीं आई है कि ये क्यों लिखा है, कहाँ लिखा है, वो आपने एक बार जान लिया तो सीपीसी आपके लिए बहुत इजी सब्जेक्ट हो जाएगा, बिलीव मी। तो आज की क्लास में मैं वो ही काम आपके साथ करने वाला हूं। आपके पास सीपीसी का बैरेक्ट होना चाहिए, एक नोटबुक और एक पेन होना चाहिए, कुछ एडिशनल चीजें हम लिखते जाएंगे, बाकी बैरेक्ट आप रखिए। आज सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे बात होगी, कंटेंट का काम है, आपके पास वो होना चाहिए, ठीक। तो मैं आपको ओवरऑल पूरा आइडिया दे दूंगा इस सब्जेक्ट का, क्योंकि इसको स्टार्ट सेक्शन वाइज इसको स्टार्ट करने के पहले ये बहुत जरूरी है कि आप इस सब्जेक्ट से थोड़ा फेमिलियर हो जाएं, इस पूरे पूरे एक्ट को समझ लें, इस पूरे कोड को आप समझ लें कि इसमें है क्या, क्या लिखा है, क्यों लिखा है, ये सब समझ में आ जाएगा, तो एक एक ऑर्डर के अंदर के रूल या सेक्शन के अंदर का मीनिंग आपको बड़े आराम से समझ में आएगा। इसीलिए कोशिश हम उस अप्रोच से चलने की करेंगे, और जैसा मैं बता चुका हूं लिली, सीपीसी की क्लासेस होंगी टोटल 7 to 8 क्लासेस, दैट्स इट, इतने में हम पूरा सीपीसी कवर करेंगे। तो चलिए देखिए, सीपीसी क्या है कि सिविल का एक प्रोसीजरल लॉ है। आप जानते हैं लॉज को ब्रॉडली डिवाइड किया है क्रिमिनल और सिविल लॉज में। क्रिमिनल से रिलेटेड सब्सटेंटिव लॉ भी अपन पढ़ चुके हैं, दैट वाज आईपीसी, और क्रिमिनल का प्रोसीजरल लॉ भी हम लोग पढ़ चुके हैं, दैट इज सीआरपीसी। सिविल लॉ की अगर अपन बात करें तो सिविल का जो प्रोसीजरल लॉ है, सो इट इज अ सिविल एंड प्रोसीजरल लॉ, अब आप जानते हैं कि प्रोसीजरल लॉ का काम क्या होता है या प्रोसीजरल लॉ का पर्पस क्या होता है। सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, सब्सटेंटिव लॉ पार्टीज के राइट बता देता है और उसके लिए एक रेमेडी बता देता है। अब जिस व्यक्ति का राइट वॉयलेट हुआ है उसको रेमेडी तक ले जाने का जो पूरा प्रोसेस है वो सब प्रोसीजरल लॉ में दिया है। सेम चीज आपने आईपीसी और सीआरपीसी के कनेक्शन में देखी है, अगर आपने सीआरपीसी अपने दिमाग में बिठा लिया है तो सेम लाइंस पे, काफी सिमिलैरिटी है प्रोसीजर में, सेम लाइंस पे हमारा चलेगा सीपीसी। सीपीसी में भी क्या है कि जैसे कोई भी सिविल लॉ है, एक सब्सटेंटिव सिविल लॉ आप कोई भी उठा लीजिए, उसमें राइट्स दिए हैं पार्टीज के और रेमेडीज दी हैं कि अगर राइट का वॉयलेशन होगा तो क्या रेमेडी आपको मिलना है। अब उस राइट के वॉयलेशन से रेमेडी तक का जो सफर है ये तय कराता है ये प्रोसीजरल लॉ, जिसको हम कहते हैं सीपीसी। जैसे एक एग्जाम्पल से इस चीज को अपन स्टार्ट करते हैं, आप समझिए सिंपल कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपने पढ़ रखा है, लगभग आप सभी ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रखा है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको बताता है कि कैसे एक वैलिड और इन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आएगा, है ना, फॉर्मेशन कैसे होगा, और अगर उसका ब्रीच ब्रीच कैसे होगा ये भी बताया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने, और अगर ब्रीच हुआ तो उसके बदले में पार्टी को रेमेडी क्या दी जाएगी। आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर मैं उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देता हूं, ब्रीच मतलब मैं अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करता हूं जो मैंने लिया है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो रेमेडी भी प्रिस्क्राइब करी है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। जरा कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कौन सी रेमेडी देता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सी रेमेडी देता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कौन सी रेमेडी देता है भाई इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि सिविल की रेमेडीज दूसरे एक्ट्स में भी है, एसआरए भी आपने पढ़ा होगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, डैमेजेस, दैट्स करेक्ट संस्कृति, डैमेजेस दिए हुए हैं इधर कॉन्ट्रैक्ट में, जो रेमेडी है वो प्राइमरीली डैमेजेस है, उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं बट प्राइमरी रेमेडी वहां डैमेज है, कॉम्पेंसेशन दिला दिया जाएगा, सिविल का बेसिक पर्पस कॉम्पेंसेशन दिलाने में, ठीक। इसके अब
कॉम्पेंसेशन के अलावा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी आप कॉन्ट्रैक्ट की ले सकते हैं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर लेना है तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपको वो भी दिलवा देगा। जैसे मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं आपके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, आप में से कुछ स्टूडेंट ने इसी लाइव सीरीज में ये भी रिक्वेस्ट करी थी कि सर मेंस वाले सब्जेक्ट भी पढ़ा देना, यूपी के लोकल लॉ वगैरह यहाँ यूट्यूब पे। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि यूट्यूब पे वो लेक्चर्स भी हो जाएं मेंस के? कोई है आप में से जो चाहता हो कि यूट्यूब के लेक्चर्स भी हो जाएं मेंस वाले? यस, ऑल राइट ऑल राइट। तो काफी लोग हैं, है ना, कुशांत, तन्वीर, नीलम, यश सब चाह रहे हैं कि हो जाए। चलिए, मैंने आपसे एक प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है भाई, मैं पढ़ा दूंगा, मैं आपको लोकल लॉज भी करा दूंगा यूट्यूब पे। लेकिन आपको पता है कि मैं बहुत ही मतलबी व्यक्ति हूं और बिना मतलब के मैं कुछ करता नहीं हूं, ठीक है? और मैंने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया कि बेटा, अगर प्री होने तक 12 फरवरी तक आप इस चैनल के सब्सक्राइबर को 25,000 तक पहुंचा दीजिए, वीडियो शेयर करके, लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके, दूसरी जगह शेयर करके, अगर आप सब्सक्राइबर 25,000 करा देते हैं मेरे, तो मैं आपको जरूर मेंस की तैयारी इधर पे करवा दूंगा, ठीक? तनवीर ने कहा कि क्लेम नहीं कर पाएंगे। मैं कह रहा हूं इसको अपन लीगल इंटेंशन ले आए। मैं तनवीर के साथ एक अग्रीमेंट कर लेता हूं, रजिस्टर कर लेते हैं, स्टैम्प पे लिख के कर लेते हैं। लीगल इंटेंशन आना चाहिए, बस कंसिडरेशन हो जाए दोनों के लिए कि आपने मुझे प्रॉमिस कर दिया। अभी उस पे मत जाइए कॉन्ट्रैक्ट की लीगैलिटी पे, आप प्रोसेस समझिए कि मान लीजिए आपने ये बात कह दी मुझे, आपने ये प्रॉमिस कर दिया है कि सर 25,000 पक्के आपके, लेकिन आपको फिर पढ़ाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, कॉन्ट्रैक्ट में अपन अग्री हो गए। अब जैसे ही मान लीजिए 25,000 सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं इस चैनल के, लेकिन मैं आपको मेंस पढ़ाने से मना कर देता हूं, मैं बोल दूंगा भाई यही तो थी मेरी निंजा टेक्निक सब्सक्राइबर बढ़ाने की, अब नहीं पढ़ा रहा मैं, दिस इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है तो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था या नहीं, इसके लिए आप सब्सटेंटिव लॉ पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताया गया है वेदर इट इज एनफोर्सिएबल और नॉट। अपन मान लेते हैं, कि एनफोर्सिएबल है, था ये एनफोर्सिएबल। अब आपका, आपके साथ ये जो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ, इस कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच के बदले में आपके पास क्या रेमेडी है? आप मुझसे डैमेजेस कॉम्पेंसेशन मांग सकते हैं, या आप मुझे कंपेल कर सकते हैं अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल करने के लिए, दोनों। अब क्या आप मुझसे पढ़ाने के लिए बोल सकते हैं? क्या इसको कहते हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो ऑब्लिगेशन लिया वही फुलफिल करा सकते हैं या नहीं? तो जहां पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है वहां स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मिलता है या नहीं, ये आपको पता चलेगा कॉन्ट्रैक्ट और एसआरए पढ़ के, कि पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है तो मिलेगा या नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। चलो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, डैमेज तो मिलेगा कि सर हमने इतनी मेहनत करी थी, आपके वीडियोस इतने शेयर किए थे, उसके बाद भी आपने पढ़ाया नहीं, ब्रिज तो हुआ, आप डैमेज दो हमें। अब ये करने के लिए आप कहां जाएंगे, ये सब कार्यक्रम करने के लिए आप कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। अब आपको एक काम कर लेना है कि सीपीसी का बेरेट ओपन कर लीजिए। अब इस कहानी में मैं आपको सारे ऑर्डर, सारे सेक्शन सब बता दूंगा। आप क्या करेंगे बेसिकली, आप कोर्ट जाएंगे ना मेरे अगेंस्ट। क्यों जाएंगे? क्योंकि मैंने आपके एक लीगल राइट का ब्रीच किया है, और उस लीगल, वो लीगल राइट कैसा था? सिविल लीगल राइट था। उसके बदले में आपके पास एक सिविल रेमेडी है जिसको अपन कहते हैं डैमेजेस या कॉम्पेंसेशन। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने ये तो बता दिया कि कब एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा नहीं होगा, एनफोर्सिएबल होगा नहीं होगा, उसके बदले में क्या रेमेडी दी जाएगी ये भी बता दिया। वो रेमेडी कैसे मिलेगी ये नहीं बताया, इसीलिए सीन में क्या आया, सीपीसी आया। सीपीसी आपको बताएगा कि वो रेमेडी आपको कहां जाके लेना है, कौन ले सकता है, कैसे लेना है। इन सारे सवालों के जवाब आपको इस कोड में मिलेंगे, सीपीसी में मिलेंगे। तो लॉजिकल मैं बता रहा हूं, आपने ये जो ऑर्डर्स वॉर्डर्स पढ़े हैं ना, द प्रॉब्लम इज कि आपने उसमें लॉजिक नहीं बिठाया, इसलिए आपको समझ में नहीं आया और इसलिए याद नहीं हुआ। आज हम वो लॉजिक समझ लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मान लीजिए आपके साथ ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं कर देता हूं कि आपने तो 25K तक मुझे पहुंचा दिया, लेकिन मैंने मना कर दिया फिर भी पढ़ाने से। अब आप कहां जाएंगे? कोर्ट जाएंगे। आप कौन है? अग्रीव्ड व्यक्ति हैं जिसके राइट का वॉयलेशन हुआ। एक टर्म आपने सीपीसी में सुना होगा जो कि बहुत रेगुलरली आपको देखने को मिलेगा, उसको कहा जाता है कॉज ऑफ एक्शन। इस टर्म को क्या कहते हैं?
इस टर्म को कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। ये सुना है आप सबने, कई जगह मिलेगा, रेस जुडिकाटा वगैरह पढ़ोगे तो वहां भी मिलेगा आपको। और मैंने क्या कहा, इन सारे टर्म्स को समझ के पढ़ेंगे अपन, रटना है ही नहीं, ये सब कुछ समझेंगे। सेम टाइटल का क्या मतलब होता है, सब्जेक्ट मैटर का क्या मतलब होता है, एवरीथिंग। कॉज ऑफ एक्शन का क्या मतलब होता है, अब कॉज ऑफ एक्शन आपने सुना, कॉज ऑफ एक्शन कौन सा एक्शन, कोर्ट जाने का एक्शन, एक्शन मतलब लीगल एक्शन, कोर्ट जाने का। इस एक्शन के लिए क्या कॉज है, कारण क्या है, क्यों आप कोर्ट जा रहे हैं। आप अगर मेरे अगेंस्ट कोर्ट जाना चाहते हैं, एक एक्शन लेना चाहते हैं मेरे अगेंस्ट, इसका कारण क्या है, कॉज क्या है। कारण यह है कि आपके पास एक लीगल राइट था जिसका मैंने वॉयलेशन किया है। आपके और मेरे बीच में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, उस कॉन्ट्रैक्ट से आपका एक लीगल राइट अराइज हुआ था और मैंने उस राइट का कर दिया है वॉयलेशन। इसीलिए कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है, तो भाई साहब कॉज ऑफ एक्शन होता है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट, एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल राइट प्लस इसका वॉयलेशन। आपके पास एक लीगल राइट था, कौन सा राइट था, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट था। आपके और मेरे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिससे आपका ये राइट अराइज हुआ था, और क्योंकि मैंने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं करा, इस वजह से आपके उस राइट का क्या हो गया, वॉयलेशन। इसी को कलेक्टिवली आप कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। एक लीगल राइट के वॉयलेशन से अराइज होता है कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन मतलब एक्शन करने का, कोर्ट जाने का जो कारण है वो। आई होप दैट इज क्लियर, दैट्स कॉज ऑफ एक्शन। ठीक, सो लीगल राइट प्लस इट्स वॉयलेशन इज कॉज ऑफ एक्शन, इसलिए आप कोर्ट जाएंगे। अब देखिए, ये तो हो गई कॉन्ट्रैक्ट की बात, कि कॉन्ट्रैक्ट में आप इस कारण से कोर्ट जा सकते हैं मेरे अगेंस्ट। आपका जो राइट था वो कहां से डराइव हो रहा था, कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा था। हो सकता है आपके पास एक प्रॉपर्टी हो, आपके पास एक घर है जिसपे किसी और ने कब्जा कर लिया है, आपके पास राइट था उस घर की पजेशन का। एक व्यक्ति है जिसके पास राइट है एक घर की पजेशन का। क्यों है पजेशन का राइट, कहां से डराइव हुआ, तो भाई वो ओनर है उसका, उस घर का ओनर है। ओनर कैसे बना, उसके दादा ने अपनी वसीयत में लिख के गए थे कि हमारे पोते का होगा ये घर। दादा ने कहा था ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि नालायक है, इंपॉर्टेंट ये है कि हमारा पोता है, इसीलिए हम उसको घर दे के जाएंगे। और उस पर्सन को वो घर मिला था अपने दादा से, ओनर था वो, किसी और ने आके उस पर कब्जा कर लिया। उसका राइट है पजेशन का भी, उस पजेशन का राइट कोई वॉयलेट कर रहा है उसमें रह के वहां कब्जा करके। सो दिस लीगल राइट प्लस इट्स वॉयलेशन गिव्स अ कॉज ऑफ एक्शन टू दैट पर्सन, कि भैया आप चले जाओ सिविल कोर्ट, वहां जाके पजेशन क्लेम कर लेना, वहां जाके पजेशन आप मांग लो कोर्ट में जाके। ऐसे आप मल्टीपल कॉज ऑफ एक्शन सोच सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। लीगल राइट, उसका वॉयलेशन तो एक कॉज ऑफ एक्शन, ठीक, वो कॉन्ट्रैक्ट से भी आ सकता है, वो किसी दूसरे सिविल लॉ से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से आ सकता है, किसी भी सब्सटेंटिव लॉ से आएगा। सब्सटेंटिव लॉ बेसिकली क्या है, राइट और रेमेडी की बात करेगा। प्रोसीजरल लॉ उस अग्रीव्ड व्यक्ति को रेमेडी तक पहुंचाएगा। अब क्या कार्यक्रम होगा, कैसे होगा, लॉजिकली आप समझेंगे तो सीपीसी क्लियर होगा। देखिए, सबसे पहले कोई भी किसी भी कॉज ऑफ एक्शन की अपन बात कर लें, जो व्यक्ति है वो क्या करेगा, एक सिविल सूट फाइल करेगा। क्रिमिनल केस कहा जाता है, सिविल में उसे अपन सूट कहते हैं उस प्रोसीडिंग्स को। सो इधर होगा क्या, एक एक सूट। ये सूट कौन फाइल करेगा, कौन फाइल करेगा, तो पार्टीज देखनी पड़ेंगी, कौन फाइल करता है सूट भाई, अग्रीव्ड व्यक्ति, जिसके राइट का वॉयलेशन हुआ वही जाएगा ना अपने राइट को एनफोर्स कराने। तो वो व्यक्ति जब अपने राइट को एनफोर्स कराने जाता है, जो भी व्यक्ति, उसको अपन कहते हैं प्लेंटिफ। उसको क्या कहते हैं, प्लेंटिफ कहते हैं उसे, जो अग्रीव्ड व्यक्ति है। ये जो प्लेंटिफ जाएगा अपने राइट को एनफोर्स कराने, किसके अगेंस्ट जाएगा, डिफेंडेंट के, जिस व्यक्ति ने उसके राइट का वॉयलेशन किया। सो डिफेंडेंट के अगेंस्ट, यहां डिफेंडेंट कौन हूं, मैं हूं, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपने अगर इन सब्सक्राइबर्स को 25K पहुंचाया तो पढ़ाऊंगा। अब मुझे अपने आप को डिफेंड करना है, सो आई एम देयर टू डिफेंड माई केस। आप मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करेंगे, कैसे करेंगे सूट फाइल भाई, देखिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग की अपन ने बात करी थी, तो सोसाइटी को क्राइम से प्रोटेक्ट करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेट की। इसलिए क्रिमिनल केस में इंस्टीट्यूट कौन करता है, प्रोसिक्यूशन किसकी तरफ से होता है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से।
विक्टिम जाके केस फाइल नहीं करता कोर्ट में, वो जाके रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को कि मेरे साथ ये ऑफेंस हो गया है, अब आप मुझे रेमेडी दिलाइए। सरकार अपनी तरफ से प्रोसिक्यूशन करवाती है क्रिमिनल कोर्ट में, यहां ऐसा नहीं है सिविल में। आपके राइट का वॉयलेशन हुआ, आप खुद जाइए। तो प्लेंटिफ जाएगा किसके अगेंस्ट? डिफेंडेंट के अगेंस्ट। अब ये जो सूट इंस्टीट्यूट होगा, आप देखो इसी में टेक्निकल टर्म्स आते जाएंगे सीपीसी के। सूट इंस्टीट्यूट होगा, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। कैसे होगा ये इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट? थ्रू अ प्लेंट। ये व्यक्ति जब कोर्ट जाएगा तो कुछ डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट कुछ पर्चा वर्चा लेके जाएगा अपना मैटर बताने के लिए। इसको आप कहते हैं प्लेंट। प्लेंट लेके ये व्यक्ति जाएगा कोर्ट में। अब ये जब अपनी प्लेंट लेके कोर्ट में जाएगा, इसकी बात सुनी जाएगी। एक जनरल प्रोसीजर अभी बता रहा हूं, उसके बाद एक एक चीज पे अपन डिटेल में आएंगे। ये व्यक्ति जब प्लेंट लेके जाएगा कोर्ट में, तो फिर कोर्ट इसके मैटर को देखेगा सुनेगा। अभी डिटेलिंग और आएंगी इसमें कि इतनी आराम से कोर्ट कन्विंस नहीं होगा, लेकिन पहले एक ब्रीफ समझिए कि ये प्लेंट लेके कोर्ट पहुंचा, कोर्ट ने देखा प्लेंट, उसके बाद वो क्या करेंगे? हाँ भाई, किसने करा तुम्हारे राइट का वॉयलेशन, लेके आओ। उसको बुलाते हैं, उसको बुलाने के लिए समन भेजेंगे। नॉर्मली अपन ने क्रिमिनल में भी यही पढ़ा है, किसी भी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाने के लिए समन भेजा जाता है। यहां इस डिफेंडेंट को कोर्ट में बुलाने के लिए क्या करा जाएगा? समन भेजा जाएगा कि इसको बुलाइए। ये आएगा व्यक्ति यहां, इसको अपने आप को डिफेंड करना है, तो ये भी अपना स्टेटमेंट देगा, अपनी बात लिख के देगा कोर्ट को। उस डॉक्यूमेंट को कहते हैं अपन क्या? रिटर्न स्टेटमेंट। जो ये डिफेंडेंट लिख के देगा उसको अपन क्या कहते हैं? रिटर्न स्टेटमेंट कहते हैं। ये अपना डिफेंस फाइल करेगा ना, अपना पक्ष रखेगा कोर्ट के सामने। उसके बाद अब दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट होगा, पूरा सब कार्यक्रम चलेगा, और एंड में कहां पहुंचेंगे अपन? एंड में अपन पहुंचेंगे एक जजमेंट की तरफ। एंड में होगा एक जजमेंट। अब आप जानते हैं सीपीसी में सिर्फ जजमेंट से भी नहीं होता, जजमेंट के साथ एक चीज और आ जाती है इधर पे, जिसको हम कहते हैं डिक्री। और इसके साथ एक और टर्म यूज होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर भी। ऑर्डर दो सब अलग है अपने आप। तो जब ये मैटर डिसाइड होगा उसको कहते हैं जजमेंट। जो फाइनली डिसाइड होगा, कोई एक जजमेंट देंगे क्रिमिनल केस में भी, या तो एक्विटल होता है या तो कन्विक्शन होता है। इधर पे जजमेंट किसे कहते हैं? उस डिटेल्ड स्टेटमेंट को। आप जिस भी कंक्लूजन पे पहुंचे उसका जो पूरा डिटेल्ड स्टेटमेंट है वो जजमेंट है। इसमें पूरे रीजंस होंगे क्यों आपने ये डिसाइड किया। अगर आपने मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया है और कोर्ट ने आपके फेवर में अगर जजमेंट दिया है, तो उसमें पूरे रीजंस होते हैं। रीजन बैक्ड होगा वो कि क्या कारण थे, क्यों आप पहुंचे, सारी बातें। इस जजमेंट के फॉर्मल एक्सप्रेशन को, जो भी एडजुडिकेशन है, एक वर्ड आएगा एडजुडिकेशन। एडजुडिकेशन मतलब टू डिसाइड। जब कोर्ट या जज कोई चीज डिसाइड करते हैं उसको अपन कहते हैं एडजुडिकेशन। इस एडजुडिकेशन के फॉर्मल एक्सप्रेशन को आप डिक्री कहते हैं। तो फिर ये जजमेंट क्या था? आप कह रहे हो कि जो डिसाइड किया वो डिक्री है, उसका फॉर्मल एक्सप्रेशन। फिर ये जजमेंट क्या है? जजमेंट पूरा डिटेल्ड स्टेटमेंट है कि हम अगर एक कंक्लूजन पे पहुंचे। मान लीजिए प्रॉपर्टी के विवाद की अपन बात करते हैं कि आप एक व्यक्ति के घर पे किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया। अब जिसके भी फेवर में वो आया, मान लीजिए उस व्यक्ति के फेवर में आया जिसके घर पे कब्जा कर लिया गया है, तो पूरा उसमें डिटेलिंग, जजमेंट में पूरी डिटेलिंग बताई जाएगी सारी चीजें, रीजन के साथ क्यों ये डिसाइड किया है, कोर्ट ने कहां से आपने अपना टाइटल डिराइव किया था, ये वो पूरा स्टेटमेंट। लंबा चौड़ा जजमेंट आता है सर, कई पेजेस में होता है, 600-700 पेज में होगा वो जजमेंट। आप जानते हैं इस बात को अच्छे से। अब उस जजमेंट में जो व्यक्ति है, जो पार्टी है, जिसने कब्जा किया और जिसके घर पे कब्जा हुआ, वो बिल्कुल आपलूम की तरह है। कैसे आपलूम की तरह है? आप कह रहे हैं सर ये सब मत बताओ यार, आप तो ये बताओ एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, ये कहानी नहीं सुननी हमें, हमें समझना ही नहीं सब्जेक्ट, हमें तो आप प्री के क्वेश्चन बता दो। एक भाई आते थे जो कहते थे कि बड़ा स्लो पढ़ा रहे हैं आप, उन्हें चाहिए काम की बात। ये सेक्शन बता दो हम याद कर लेंगे, इसमें से आएगा सवाल। पार्टी को क्या चाहिए? अपने काम की बात। अब आपने जजमेंट लिखा 400 पेज का, आपने सारी उसमें अपनी रीजनिंग दे दी, पार्टी को इससे मतलब नहीं है। उसको अपना राइट देखना है कि मेरे राइट का क्या हुआ, क्या डिसाइड हुआ मेरे फेवर में।
तो बेसिकली जो हम कह रहे हैं कि एक फॉर्मल एक्सप्रेशन होता है एडजुडिकेशन का, डिक्री, डिक्री में वो काम की बात लिखी रहती है, जजमेंट में सब कुछ लिखा रहेगा, डिक्री उस एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन है काम की बात, पजेशन किसको दिलाई जाएगी, राइट डिटरमाइन हो जाएगा कंक्लूसिवली आपका कि ये घर आपका है या नहीं है, ये होता है एक फॉर्मल एक्सप्रेशन, इसको कहते हैं डिक्री, क्योंकि जनता इसमें जाना नहीं चाहती ना, पूरा इससे मतलब ही नहीं हमें, आपने क्यों डिसाइड किया, कैसे डिसाइड किया, हमें मतलब ही नहीं है, आप तो हमें बताओ घर मिलेगा कि नहीं, मुझे बात खत्म, जिसने इलीगल पजेशन ले रखी है वो कह रहा सर बताओ घर खाली करना है कि नहीं करना, ज्ञान मत दो आप, कहां से आपने क्या, नहीं चाहिए हमें तो, आप बता दो क्या करना है, खाली करना है कि रहना है, उस एडजुडिकेशन को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिक्री, एंड दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन जजमेंट एंड डिक्री। जजमेंट वो पूरा डिस्क्रिप्टिव डॉक्यूमेंट है, कैसे कोर्ट उस कंक्लूजन तक पहुंचा है, कंक्लूजन भी उसमें, उस कंक्लूजन तक कैसे पहुंचा पूरा, जनता को इससे मतलब नहीं ना, जनता को तो चाहिए आप तो लिख के दे दो हमारा है कि नहीं घर, बात खत्म, हमें मतलब ही नहीं, ठीक, तो वो डॉक्यूमेंट लेके काम खत्म, अब डिसाइड हो गया जिस व्यक्ति के घर पे जबरदस्ती कब्जा किया गया था, डिसाइड हो गया कि भैया पजेशन का अधिकार आपका है, आपको ये मिल गई डिक्री, पूरा जजमेंट भी था, आपने अपने काम की बात ले ली डिक्री, उस एडजुडिकेशन का फॉर्मल एक्सप्रेशन आपने ले लिया, लिख के दे दिया कोर्ट ने कि बेटा पजेशन का अधिकार तुम्हारा, क्या इधर पे बात खत्म हो जाएगी, अभी नहीं होगी, आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में भी देखा कि ट्रायल कोर्ट के जजमेंट के बाद अपील में जाते हैं, इधर भी जाएंगे अपील में, लेकिन इधर एक कहानी और है, वो कहानी ये है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो जनता है हमारी वो इतने आराम से चीजें और बातें मान ले, ऐसा होता नहीं है, अब कोर्ट ने बोल भी दिया, डिक्री भी दे दी उस गरीब के फेवर में जिसके घर पे कब्जा कर लिया गया है, उसके फेवर में डिक्री है भाई साहब, जिसके फेवर में डिक्री होती है उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर, जिसके घर पे जबरदस्ती कब्जा किया गया था जिसके फेवर में वो डिक्री है उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट ये जजमेंट दिया गया, जो हारा है जिसके अगेंस्ट जजमेंट दिया गया उसको बोलते हैं जजमेंट डेटा। अब आपको क्या लगता है कि कोर्ट ने बोल दिया कि जाओ तुम्हारी पजेशन है तो आपको लगता है कि वो पजेशन दे देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, मैं आपको कितना ही समझा दूं कि बेटा थोड़ा कॉन्सेप्ट भी जानो थोड़ा समझ के पढ़ो, लेकिन नहीं चाहिए ही नहीं हमें, तो अब कोर्ट ने भले ही बोल दिया कि जिस व्यक्ति को आपने घर जिससे छीना है वो हकदार है इस घर के पजेशन का, ये डिग्री, अब वो डिग्री लेके घूम रहा गरीब, घर खाली कौन करवाए, क्योंकि उसने तो कब्जा किया है ना, वो तो दमदार व्यक्ति है, हमने जाके उसको डिग्री भी दिखा दी कि भैया देख ले मेरे फेवर में आ गया, उसने कहा भग जाए इधर से, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए क्रिमिनल में तो क्या है पनिशमेंट दिया जाएगा और एग्जीक्यूशन भी कराया जाएगा सेंटेंस का, जो भी सेंटेंस दिया जाएगा उसका एग्जीक्यूशन आपने पढ़ा है क्रिमिनल में, जजमेंट जब अपन चैप्टर पढ़ रहे थे सीआरपीसी में लिखा था कि अगर डेथ पेनल्टी है तो लिखेंगे कि गर्दन से टांग दिया जाएगा, करेक्ट, यहां पे आपने लिख दिया, आपने जजमेंट दे दिया, आपने डिक्री बना के दे दी कि भैया ये लो आप हैं पजेशन के हकदार, इतने से काम नहीं चलेगा सर, पजेशन दिलवाइए उसको, पजेशन दिलवाइए, तो ये व्यक्ति जिसके फेवर में डिक्री आई है वो क्या करता है, अब एक और प्रोसीडिंग चालू होती है, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन, अब इस डिक्री को एग्जीक्यूट, देखो या तो वो शरीफ व्यक्ति होगा जिसने कब्जा करा है, मेरे जैसा एकदम सात्विक नेक शरीफ व्यक्ति, लेकिन मेरे जैसे सात्विक और नेक शरीफ व्यक्ति कब्जा करते नहीं, इसलिए संभावनाएं कम है कि वो आराम से मान जाए बात, अगर डिक्री आने के बाद वो खाली कर देता है वेल एंड गुड, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया है, चुपचाप चला गया वो, लेकिन जिस व्यक्ति ने कब्जा किया वो आराम से जाने वाला अगर नहीं है, वो खाली नहीं कर रहा है, तो फिर ये एक और प्रोसीडिंग चालू करेगा, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन, और जैसे सूट स्टार्ट होता है विद अ प्लेंट, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए दी जाती है एक एप्लीकेशन, उसके लिए होता है एक एग्जीक्यूटिंग कोर्ट, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे, सिविल कोर्ट ही होता है, वहीं जाके आप एक एप्लीकेशन, डिग्री मिलने के बाद अभी कहानी खत्म नहीं, या तो देखो डिग्री का कंप्लायंस हो जाए खुद ब खुद वो व्यक्ति मान ले, नहीं माना तो फिर क्या करेंगे, वो कंप्लायंस भी कोर्ट से करवाएंगे, हम जाके एग्जीक्यूट कराएंगे डिग्री, उसके प्रावधान भी इधर दिए हुए हैं पूरे, वो देखना आप, आई होप यू आर गेटिंग दिस,
तो फिर एग्जीक्यूशन कराने भी जाएंगे, और हो सकता है इस जजमेंट के अगेंस्ट अपील वपील करने चले जाएं इस डिक्री के अगेंस्ट आप, कि साहब ये तो गलत दे दिया, जिसने जबरदस्ती कब्जा किया वो अपील करने जा रहा है, तो अभी वो कार्यक्रम भी चलेगा, अपील वपील भी चलेगी साथ, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग भी चल सकती है। इससे रिलेटेड आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन ये होता है कि मान लीजिए आपने एग्जीक्यूट करवा लिया, एग्जीक्यूशन हो गया, लेकिन अपील में जाके जजमेंट रिवर्स हो गया, तो फिर वापस करना पड़ता है चीज जो आपने गेन कर ली है आउट ऑफ दैट डिग्री, वापस करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन। इस तरीके से ये प्रोसीडिंग्स और ये कार्यक्रम चलेगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। इतनी बात आप कॉमन सेंस से भी समझते हैं कि दैट्स हाउ अ प्रोसीडिंग इज प्रोसीडेड, इस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, इतने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आई होप आपको। अब अपन जाएंगे थोड़ा डिटेल में इन चीजों की, और वहीं सारे ऑर्डर चैप्टर हर चीज की बात करेंगे। अब समझिए ये जो पूरी कहानी है इसके बीच में भी बहुत कुछ है, इस जजमेंट तक पहुंचने में भी बहुत कुछ है, और इस डिक्री के बाद भी काफी सारी चीजें हैं, उनको समझते हैं वो क्या है, और सीपीसी के थोड़े से स्ट्रक्चरिंग को समझ लेते हैं। अब आप एक बात समझिए कि सीपीसी जो सब्जेक्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो सब्जेक्ट है, इसमें आप एक बात ये समझिए कि आपने दो चीजें देखी हैं, सेक्शन लिखे हैं और ऑर्डर्स लिखे हैं। पहले मैं उस कहानी को क्लियर कर दूं, एक तरफ आपको दिख रहे हैं सेक्शंस और दूसरी तरफ आपको दिख रहे हैं ऑर्डर्स, और रादर आई शुड से सेक्शन की बजाय इसको अपन करते हैं पार्ट्स। पार्ट्स और पार्ट्स किसका कलेक्शन है, अलग अलग सेक्शंस का, बहुत सारे सेक्शंस को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो सिमिलर टाइप के प्रोविजंस होते हैं उसको एक पार्ट में रख देते हैं, यह बात आप समझते हैं। आईपीसी में भी अपन ने पढ़ा था एक पार्ट सेपरेट ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट जितने ऑफेंसेस हैं उससे रिलेटेड सारी कहानी एक पर्टिकुलर पार्ट में, ऐसे ही सीपीसी पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसके सब पार्ट हैं सेक्शन, और एक जो अलग दूसरा जो पार्ट डिविजन किया गया वो ऑर्डर्स के फॉर्म में है, और ऑर्डर्स सब डिवाइडेड हैं इनटू रूल्स। ऑर्डर्स का सब डिविजन क्या है, रूल्स, तो बहुत सारे रूल्स लिखे हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में बांट दिया गया है। अब ये कहानी क्या है, ये सेक्शन क्या है, ये ऑर्डर क्या है, क्यों है ये दो अलग अलग बातें इधर, आईपीसी में तो ऐसा नहीं था, सीआरपीसी में तो ऐसा नहीं था, इसमें क्यों है, ये बात समझना। ये जो पोर्शन है, ये जो सेक्शन वाला पोर्शन है, ये सब्सटेंशियल पोर्शन है, ये बताएगा कि कैसे उस जजमेंट, कैसे उस राइट के ब्रीच के बाद आप जजमेंट तक पहुंच रहे हैं, क्या करना है बेसिकली। ये आपको बताएगा कि सूट इंस्टीट्यूट होगा, कैसे होगा ये नहीं बताएगा, सेक्शन बताएंगे कि हाँ सूट इंस्टीट्यूट होगा, ये बता देंगे कि प्लेंट के थ्रू होगा, लेकिन उसके रूल्स क्या है, कैसे होगा, पूरा डिटेलिंग क्या है, वो सब इधर मिलेगी। इधर पे बता देंगे कि ड्यूरिंग योर प्रोसीडिंग भी अटैचमेंट हो सकता है, कैसे होगा इधर बताएंगे, यहां बता दिया कि एग्जीक्यूशन होगा डिक्री का, कैसे होगा इधर बताएंगे। तो बेसिक डिफरेंस अगर अपन इधर समझें ऑर्डर और पार्ट्स या रूल्स या सेक्शंस के बीच, तो ये बेसिकली आपको बताता है कि क्या होना है, होना क्या है वो, कैसे होना है उसका डिटेल्ड प्रोसीजर, दैट इज ऑर्डर्स एंड रूल, कैसे किया जाएगा उस चीज को। तो ये क्या और कैसे का डिफरेंस है बेसिकली, ये इलैबोरेटेड रूल्स हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि जो सेक्शंस हैं उनके करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स हैं, डिटेल में बताई गई है बात, जरूरी नहीं कि दोनों के बराबर मिले आपको, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सेक्शंस में कंप्लीट हो गई, ऑर्डर की जरूरत ही नहीं उसके लिए, उसकी थोड़ी बहुत जो डिटेलिंग थी वो सेक्शन में ही दे दी, बट दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब जो समस्या आपको आती है कि कौन सा सेक्शन सर किस ऑर्डर के साथ पढ़ना है, कौन सा रूल पढ़ना है किसके साथ, तो वो आपकी समझ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लॉजिक समझ नहीं आया प्रोसीडिंग का। एक बार मीनिंग समझ में आ गया कि क्या चल रहा है, तो फिर आपको ये सवाल किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रोज बैठ के ये वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि कैसे पढ़ते हैं सीपीसी, कैसे करें जज बनने की तैयारी, इतना देख लिया है कैसे करें जज बनने की तैयारी, कि बुला के पूछ लो किसी एस्पिरेंट को कि हाँ भाई हो गई तैयारी, कैसे करोगे, सोच लिया है, तो एस्पिरेंट आके कह देता है कि नहीं ऐसा एकदम इमीडिएट नहीं सोचे हैं, सोचेंगे, तो फिर क्या देख रहा हो बेटा, पढ़ाई कर लो बैरेट उठा के, फिर है
इतना मोटिवेशन क्या चाहिए रहता है यार, मुझे समझ नहीं आता। मतलब कितना मोटिवेशन चाहिए आप लोगों को? इससे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि बेरोजगार आप हैं, आपको एक सरकारी नौकरी मिल जाएगी, आप एग्जाम क्रैक करेंगे, और क्या मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है? रोज मोटिवेशन चाहिए। इधर आइए, तो ये जो सेक्शंस और पार्ट्स हैं ये बताएंगे कि क्या करना है, और उसका डिटेल्ड वर्जन मिलेगा इधर कि वो कैसे होगा। अब इधर लिखा है कि जब प्लेंट आ जाएगी तो डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, समन भेज के बुलाएंगे, ये लिखा है। उस समन के पूरे रूल्स क्या हैं, कैसे जाएगी समन, क्या होगा, सब कुछ इधर दिया है रूल में। करेस्पॉन्डिंग एक आपको ऑर्डर मिलेगा, उसमें बहुत सारे रूल्स मिलेंगे कि समन कैसे जाएगी, किसको जाएगी, क्या होगा, और आगे का पूरा कार्यक्रम। दैट्स द ओनली थिंग जो ये दोनों बातें या जो ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं, सेक्शंस और रूल्स, और कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इतनी सी बात है। समझ में आ गया ये? यस और नो? इसका क्या काम है, उसका क्या काम है, समझ में आ गया है? ये समस्या नहीं है इधर? तो बढ़ जाऊं मैं आगे। ऑर्डर्स रूल, चलिए बहुत बढ़िया। अब आइए जरा उस कहानी पे दोबारा, क्योंकि अब हम डिटेल में एक एक चीज देखने वाले हैं। अब हम एक एक चीज बहुत डिटेल में देखेंगे कि जो पूरी आपने इतने आराम से जो हमें बता दिया कि ये कहानी और ये चीजें होती हैं, जरा उसको अपन अब डिटेल में देखेंगे। देखिए हुआ क्या था, आपके पास एक कॉज ऑफ एक्शन था। कॉज ऑफ एक्शन क्या था कि आपके राइट का वॉयलेशन हुआ है, आपके पास एक लीगल राइट था, उसका वॉयलेशन हुआ, दैट्स कॉज ऑफ एक्शन। उस राइट के वॉयलेशन के लिए रेमेडी मांगने आप किधर जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं। कोर्ट जाके आप क्या करेंगे, कोर्ट क्यों जा रहे हैं आप, एक सूट इंस्टीट्यूट करने, एक सूट स्टार्ट करने। अब ये जो आपने हिंदी में कहानी सुनी है ना, इसी में थोड़े टेक्निकल वर्ड अपन लाते जाएंगे जो सीपीसी ने यूज करें, ले दे के लिखा यही सब है इधर भी, बस इंग्लिश में लिख दिया है इसलिए परेशान है आप, या फिर हिंदी में लिखा है तो भयानक ही हिंदी लिखी है, वो भी समझ में नहीं आ रही, क्योंकि अपन अलग ही टाइप के लोग हैं, अपने को ना इंग्लिश समझ में आती है ना ज्यादा हिंदी, अपने को चाहिए बीच वाला हिसाब। तो आइए उस बीच वाले हिसाब में आज समझ लेते हैं सीपीसी को। तो अब ये जो है कि आपको स्टार्ट करना है, आपको सूट शुरू करना है, इसको अपन कहते हैं क्या, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। इसको आप क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। सूट इंस्टीट्यूट करना है आपको। अब सूट इंस्टीट्यूट करना है तो कैसे होगा भाई, सूट इंस्टीट्यूट क्या करेंगे उसके लिए? तो हमने देखा जो जिस व्यक्ति को, जो अग्रीव्ड व्यक्ति है जिसके राइट का वॉयलेशन हो, वो एक प्लेंट लेके आए, एक डॉक्यूमेंट, अपना केस बताओगे ना कोर्ट को, उसके लिए क्या लाओगे, प्लेंट लाओगे। तो बस यही लिखा सीपीसी में। अब जरा बेरेक निकाल लीजिए, तो इधर अपन प्रोविजन फिट करते जाते हैं इस कहानी में तुरंत। तो आप देखिए इधर पे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से रिलेटेड आपके पास है सेक्शन 27, मैं सेक्शन भी बताते जाऊंगा और सेक्शन भी बताते जाऊंगा और ऑर्डर भी। तो सेक्शन 26 देख लीजिए और ऑर्डर 4 देख लीजिए, बस कंटेंट खोलिए, बेरेट पढ़ना नहीं है आज, अभी सिर्फ कंटेंट ओपन करिए आप बेरेट का, वही सारी कहानी मैं आपको समझा दूंगा उस कंटेंट में। सबसे पहले देखिए सेक्शन 26, उसके ऊपर एक हेडिंग लिखिए इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट्स। सूट कैसे इंस्टीट्यूट होंगे, सेक्शन 26 बताएगा कि प्लेंट से इंस्टीट्यूट होगा सूट, बस। इसके बाद सीधे ऑर्डर 4 देखिए, अब बाद में अपन वो क्रोनोलॉजी बना लेंगे, अभी उसके लिए परेशान मत होना, अभी कहानी में चलने दो प्रोविजन, बाद में मैं क्रोनोलॉजी एक और बता दूंगा आपको, उसके लिए परेशान मत होना। ऑर्डर 4 देखिए इसके बाद। सो ऑर्डर 4 में भी लिखा है इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट। अब वहां बता दिया प्लेंट्स होगा, उससे रिलेटेड थोड़ी सी डिटेल बात इधर मिल जाएगी, क्योंकि क्या डिफरेंस है सेक्शन और ऑर्डर रूल में, सेक्शन में बता दिया है क्या करना है, एग्जैक्टली कैसे करना है वो बताएंगे अपन ऑर्डर। ठीक, तो ऑर्डर मिल गया करेस्पॉन्डिंग उससे रिलेटेड अपने को, ऐसे होगा आपका सूट इंस्टीट्यूट। अब ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट की बात मैंने कही कि सूट इंस्टीट्यूट होगा, कहां होगा सूट इंस्टीट्यूट, आपके राइट का वॉयलेशन किया है, अब आपको एक सूट फाइल करना, किधर करोगे सूट फाइल? तो बहुत ऑब्वियस सी चीज है, कोर्ट में करना है आपको। कहां करना है सूट फाइल हमें, ये तो ये सूट फाइल हमें करना है कोर्ट में। अब कौन से कोर्ट में सूट फाइल होगा, किस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है, कौन एंटाइटल्ड है, कोर्ट क्या ले सकता है, क्या मैटर नहीं ले सकता, ये सब पढ़ना पड़ेगा। यस और नो?
किस कोर्ट के पास जाना है, ये सब समझना पड़ेगा या नहीं? समझना पड़ेगा तो सीपीसी के कंटेंट पोर्शन में आ जाइए जरा, वापस सेक्शन की तरफ। अब देखिए, किस कोर्ट में आप जाएंगे, तो कोर्ट जिसका ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास जाएंगे भाई, जिस कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन है उसके पास जाएंगे। सीआरपीसी में अपन ने ज्यूरिसडिक्शन दो तरीके से देखा था, एक था टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और एक था आपका पावर वाइज ज्यूरिसडिक्शन, कि कितना आप पनिशमेंट दे सकते हैं उसके बेसिस पे सेक्शन 28-29 सीआरपीसी का। इधर पे जो ज्यूरिसडिक्शन है वो तीन तरीके का है भाई साहब। एक है आपका पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, कि आपके सूट का वैल्यूएशन कितना, कितने का सूट है, मैटर में जो सब्जेक्ट मैटर है उसकी वैल्यू क्या है, कितने रुपए का, इसको कहते हैं पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन। टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑब्वियसली देखना पड़ेगा कि भोपाल में करना है कि इंदौर में कि दिल्ली में कि इलाहाबाद में, ये देखना पड़ेगा आपको। तो टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन भी बताया गया है किसका रहेगा। इसके अलावा एक होता है सब्जेक्ट मैटर ज्यूरिसडिक्शन। आप कोर्ट को अगर एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर दे दिया है कि आपको सिर्फ इसमें ही डील करना है, तो आप सिर्फ वो डील करेंगे। स्पेसिफिक सब्जेक्ट मैटर का अलग कोर्ट बना दिया है अगर, तो आप उसी में डील करेंगे, वो मैटर उसी कोर्ट में जाएगा पर्टिकुलर। तो तीन चीजें चेक करनी पड़ेंगी, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन और सब्जेक्ट मैटर। इन सब के बारे में कहां बताया है सीपीसी में, तो जरा सेक्शन देखिए, सेक्शन 6 कोर्ट के बारे में जानकारी चाहिए, सेक्शन 6 देखिए। एक देखिए सेक्शन 6 पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन, और इसके बाद आप 9 से, बीच में भी चीजें हैं और इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बेसिक वो बता रहा हूं जो एकदम इंपॉर्टेंट बात है, जिनको अपन ज्यादा पढ़ेंगे। तो फिर आ जाइए 9 to 25, सब इस कोर्ट के बारे में जानकारी है। आपके राइट का वॉयलेशन हुआ है, आपको उसे एनफोर्स कराने कोर्ट जाना है, सिविल कोर्ट के पास। कौन से कोर्ट के पास जाएंगे, क्या करेंगे, सब इधर। अब देखिए, आप कोर्ट के पास जाएंगे, तीनों ज्यूरिसडिक्शन चेक करके जाना है, टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन, पिक्यूनरी सब्जेक्ट मैटर, ये सारी बातें आपको इधर मिल जाएंगी। सबसे पहले जैसा आपने 6 में देखा, पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन दिया है, उसके बाद 9 के ऊपर हेडिंग देखिए जरा, पार्ट 1 सूट्स इन जनरल में जो सब हेडिंग है, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट्स एंड रेस जुडिकाटा, ज्यूरिसडिक्शन दिया कोर्ट का। सेक्शन 9 बात करता है सूट ऑफ सिविल नेचर की, कि जो सिविल कोर्ट है वो किस तरीके के मैटर एंटरटेन करेगा ये बताएगा। फिर अब क्योंकि आप कोर्ट जा रहे हो, तो कोर्ट ये भी देखेगा कि दोबारा तो नहीं आके सेम मैटर लेके। जब एक बार आपको भैया डिसाइड कर दिया है, दो पार्टीज के बीच का डिस्प्यूट है, हम डिसाइड करके बता चुके हैं, दोबारा क्यों आ रहे हो, मल्टीप्लिसिटी नहीं होगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, इस पूरे सीपीसी में जो बेसिक पर्पस है ना इस पूरे सीपीसी का, वो ये है कि मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स प्लस अननेसेसरी डिले, ये नहीं होना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बताया, कोर्ट अपने जैसा फ्री नहीं है, कुछ भी देख रहे हैं, कैसे करें 3 महीने में जुडिशरी की तैयारी, इतना फ्री कोर्ट नहीं है। कोर्ट को चाहिए काम की बात, समझ रहे हैं आप। इसीलिए कोर्ट पूरे सीपीसी में आप पूरे रूल सेक्शन सब देखेंगे ना, उसका बेसिक पर्पस आपके समझ में आएगा कि बात काम की होनी चाहिए। कोर्ट के अंदर कोर्ट पूरी कोशिश करेगा कि मुद्दे पे बात हो, बस कोई इररिलेवेंट बात नहीं चाहिए, सिर्फ काम की बात चाहिए कोर्ट को, ठीक, सिर्फ काम की बात चाहिए और कुछ नहीं चाहिए कोर्ट को, फालतू बातें चाहिए ही नहीं कोर्ट को। इसीलिए आप बहुत सारे प्रोविजन सीपीसी में देखेंगे जो इस चीज पे एम्फेसिस करते हैं कि कोई फालतू बात तो नहीं आ रही इधर, दोबारा तो नहीं आ गए आप, एक बार ऑलरेडी मैटर डिसाइड करा चुके, इसीलिए ये सब रेस जुडिकाटा और स्टे ऑफ सूट वगैरह दिया हुआ है। इसके बाद आप देखिए प्लेस ऑफ सुइंग, एक सब हेडिंग क्या लिखी है सेक्शन 15 के ऊपर देखिए जरा, कंटेंट में प्लेस ऑफ सुइंग लिखा है, कहां जाके स्यू करना है, कहां सूट फाइल करना है। हो सकता प्रॉपर्टी 2 अलग अलग कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन में जा रही है, किधर जाए सूट फाइल करने, ये सारी बातें आपको इधर मिल जाएंगी। और मान लीजिए एक जगह इंस्टीट्यूट हो गया है, अगर ट्रांसफर करना है वहां से, कैसे होगा, एक कोर्ट में इंस्टीट्यूट हो गया, उससे उठा के ट्रांसफर करना है दूसरे के पास, कैसे होगा, वो सारी कहानी आपको इधर मिल जाएगी 9 से 25 में, सब मिल जाएगा इस कोर्ट से रिलेटेड आपको इधर, ठीक। तो ये दिया है सीपीसी में, इस पूरे पार्ट में क्या दिया है और क्यों दिया है, ये बात आप समझ लेंगे बहुत अच्छे से। अब क्योंकि आप इंस्टीट्यूट कर रहे थे सूट, कहां कर रहे थे, कोर्ट में कर रहे थे इंस्टीट्यूट, कौन करता है सूट इंस्टीट्यूट, तो मैंने आपको बता दिया प्लेंटिफ करता है जिसके राइट का वॉयलेशन हुआ, किसके अगेंस्ट करता है, डिफेंडेंट के। अब मान लीजिए मैंने आपसे, आपके साथ ये अग्रीमेंट किया था कि अगर आपने 25K सब्सक्राइबर करवा दिए प्रीतक, तो मेंस भी फ्री, उसकी भी पढ़ाई करवाएंगे इधर, और मैं उसका ब्रिज कर रहा हूं। अब एक व्यक्ति है कुशान है,
ये जाता है कोर्ट के पास मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करने कि वो नितेश सर ने बोला था पढ़ाएंगे और ये तो फैल गए बाद में। इनने पहले समझाया था कि सेल्फलेसली मैं कुछ करता नहीं हूं, मान लेना चाहिए था बात। लेकिन मैंने कहा मैं सेल्फलेसली नहीं करता हूं, तो अगर आपने मेरी रिक्वायरमेंट फुलफिल करी तो मैं जरूर करूंगा, फिर चाहे उसके लिए जो हो जाए, है ना। और ऐसा इतना सेल्फिश मुझे लगता है इस दुनिया में सबको हो जाना चाहिए। जिस दिन आप इतने सेल्फिश हो गए उस दिन आप बढ़िया कर जाएंगे लाइफ में। तो मान लीजिए आप कुशान ने तो जाके मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया कि इन्होंने बोला था लेकिन हम मना कर दिया। अब कोर्ट बोलेगा अच्छा तुम्हारे जैसे और भी लोग हैं क्या, तुम्हारे जैसे कुछ गरीब और भी हैं क्या जो यूट्यूब पे जाके व्यूअर्स बढ़ा रहे थे और बाद में जिनके साथ चोट हो गई है। तो पता चला तनवीर भी पहुंच गया साथ में, पता चला कि अरे वो और भी हैं, दो पांच छह और हैं। तो कोर्ट क्या बोलेगा, बेटा सबको इकट्ठे ले आओ, क्योंकि मैंने क्या कहा कोर्ट के पास ज्यादा समय नहीं है, कोर्ट के पास लिमिटेड टाइम है, आपकी तरह फ्री नहीं है कोर्ट। तो कोर्ट क्या कोशिश करेगा, जो जो कंसर्न पर्सन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉज ऑफ एक्शन में, ऐसा करो सबको ले आओ, तुम तो सबको ले आओ आप। तो ये जो पूरा कार्यक्रम होगा, अपन डिसाइड करेंगे कि किस किस का इन्वॉल्वमेंट है, किस किस को लाना है, उसको अपन बोलते हैं सीपीसी की टेक्निकल लैंग्वेज में पार्टीज। क्या बोलते हैं इसको, पार्टीज। कौन कौन होंगी पार्टीज, इसको बोलते हैं पार्टीज टू सूट। क्या बोलते हैं इसको, पार्टीज। कौन कौन होगा इसमें, इसके लिए कहां जाना पड़ेगा कंटेंट में, तो जरा ऑर्डर वन निकालिए, ऑर्डर वन निकालिए जरा। पार्टीज टू सूट लिखा है हेडिंग, मैंने कहा ना बस इंग्लिश में लिख दिया इसलिए परेशान है आप, कुछ है नहीं सीपीसी में। ऑर्डर वन देख लीजिए, यही लिखा है पार्टीज, कौन प्लेंटिफ बन सकता है, कौन डिफेंडेंट बन सकता है, ये सब कहानी। क्योंकि कोर्ट को बार बार ये सब काम, एक ही मैटर बार बार नहीं सुनना है उसे, उसके पास लिमिटेड समय है, ज्यादा नहीं है। ये सब बात आपको मिल जाएगी ऑर्डर वन में पार्टीज से रिलेटेड, आई होप दैट इज क्लियर। तो अपन ने पार्टी की बात कर ली कि कौन प्लेंटिफ कौन डिफेंडेंट, ये कहानी आपकी खत्म। अब हमने कहा सूट इंस्टीट्यूट कौन करता है, तो बोला भाई प्लेंटिफ करता है। कैसे करता है, प्लेंट से करता है। तो अब देखते हैं ये प्लेंट क्या चीज है और इससे रिलेटेड अपने को क्या क्या मिलने वाला है सीपीसी में। तो अब देखिए आप प्लेंट, प्लेंट से रिलेटेड रूल्स कैसी होगी, प्लेंट क्या कंटेंट होगा, कब वो रिजेक्ट हो सकती है, कब वो एक्सेप्ट होगी, सब कुछ। तो इसके लिए आ जाइए ऑर्डर सेवन, कंटेंट में निकाल लीजिए, ये लिखते जाना इधर साथ में। सो जरा ऑर्डर सेवन निकालिए, हेडिंग लिखी है प्लेंट और रूल वन लिखा है पर्टिकुलर्स टू बी कंटेंड इन प्लेंट। क्या क्या पर्टिकुलर, और पूरी कहानी इससे रिलेटेड आपको इस ऑर्डर में मिलेगी, दैट इज ऑर्डर सेवन। ऑर्डर सेवन सब मिल जाएगा प्लेंट से रिलेटेड, ठीक। कहां तक पहुंची कहानी अपनी, आपको जाना था मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करने, पहले आपने इंस्टीट्यूशन, अब सेक्शन देखा कितने आराम से साइड में हो लिया, सेक्शन ने बस लिख दिया इंस्टीट्यूट करना है सूट थ्रू प्लेंट। अब प्लेंट के बारे में सेक्शन ने कुछ नहीं दिया, उनने बस बता दिया कि सूट इंस्टीट्यूट कैसे होगा, प्लेंट से होगा। इसलिए मैंने सेक्शन के लिए क्या लिखा था, कैसे, सॉरी क्या, उन्होंने बस ये बता दिया कि क्या करना है, तो सूट इंस्टीट्यूट करना है, प्लेंट से करना है। अब वो प्लेंट क्या होगी, उसका क्या डिस्क्रिप्शन, ये सब बातें नहीं, ये सब कैसे करना है, ये सब आपको ऑर्डर में मिलेगा। उसके लिए ऑर्डर मिल गया आपको, ऑर्डर सेवन, ये आपको बता देगा कि क्या क्या प्लेंट का कंटेंट होना चाहिए, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी बातें इधर आ जाएंगी प्लेंट से रिलेटेड। आई होप दैट इज क्लियर। अब एक बात और समझिएगा, प्लेंट तो आ गई भाई साहब, प्लेंटिफ ने अपना पूरा मैटर लिख के समझाया कोर्ट को कि सर ये मैटर है। अब कोर्ट को ये लग सकता है कि यार अभी इसने, अब देखो कोर्ट का क्या है, उसको बचाना अपना समय, उनके पास नहीं है फालतू टाइम, उन्हें सिर्फ काम की बातें चाहिए। तो कोर्ट क्या कोशिश करेगा कि इसको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जाए, इस सूट को, एक मैटर आप उनके सामने ले गए हैं तो कोर्ट ये कोशिश करेगा कि जितनी इससे रिलेटेड चीजें हो सकती हैं सब भैया इसी में डिसाइड करवा लेना, फिर मत आना हमारे पास। पूरा मैंने क्या बताया, सीपीसी का पर्पस क्या है, समय बचाना। कोर्ट के पास दोबारा मत जाइए, सेम मैटर लेके मत जाइए, एक ही चीज से रिलेटेड दो बार मत जाइए। अब मान लीजिए एक बार आप एक रिलीफ मांगने गए, बाद में आता है कि अरे हमारे पास तो ये वाला भी रिलीफ था, हमको तो ये भी मांगना था, भूल गए थोड़ा सा मांगना, फिर दोबारा कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट भगा देगा, इतना टाइम नहीं है उनके पास। इसीलिए कोर्ट क्या इंश्योर करता है, कोर्ट ये इंश्योर करता है कि ये जो सूट हो रहा है ये प्रॉपरली फ्रेम्ड हो, इसमें वो सारी बातें आ जाएं जो इस मैटर से रिलेटेड हो सकती हैं।
वो सब आना चाहिए इसमें। इसको टेक्निकल लैंग्वेज में सीपीसी की कहते हैं फ्रेम ऑफ सूट। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेम ऑफ सूट। कैसे फ्रेम होना है ये भी सीपीसी ने बताया, क्योंकि सीपीसी को पता है ना, आप तो आपके पास जीवन में है ही क्या समय के अलावा, टाइम ही टाइम है आपके पास, कोर्ट के पास टाइम ही नहीं है बस। इसलिए सीपीसी ने इधर भी ये भी बता दिया कि आप फ्रेम कैसे करिए सूट, क्योंकि टाइम खराब हम नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए जरा ऑर्डर टू, ऑर्डर टू देखिए जरा, क्लियरली लिखा है फ्रेम ऑफ सूट में सब कुछ इंक्लूड करना है। उनके जो रूल्स हैं वो इसी बात के लिए हैं। इस ऑर्डर के जितने रूल है उनका एम्फेसिस बस इसी बात पे है कि भैया सब इंक्लूड कर लो, प्रॉपरली फ्रेम कर लो, बार बार मत आना हमारे पास, दोबारा एंटरटेन नहीं करेंगे, भगा देंगे। क्लियर? तो ये इंश्योर करेगा, इसीलिए ये प्रोविजन दिया आपको फ्रेम ऑफ सूट का। आगे बढ़ते हैं इससे, इतना समझ में आ रहा है ना? तो आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या होगा? देखिए कोर्ट ने ये भी देख लिया कि चलो भैया प्रॉपर फ्रेमिंग है, ठीक है, जो जो मांग सकता था यह व्यक्ति सब इसने मांग लिया आज हमसे। अब इसके बाद क्या करेंगे? अब बोलेंगे लाओ, चलो उसको बुलाओ जिसने आपके राइट का वायलेशन किया है, डिफेंडेंट, चलो उसको बुलाओ। कैसे बुलाओगे? समन्स भेज के, या आप वैसे ही जानते हैं। तो अगला क्या हो जाएगा, एक अपना इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहां, समन्स टू डिफेंडेंट, समन्स टू डिफेंडेंट। डिफेंडेंट को समन जाएंगे। इससे रिलेटेड प्रोविजन किधर है तो देखते जाइए कंटेंट वाले पार्ट में। इससे रिलेटेड सेक्शन भी मिलेंगे आपको, समन्स टू डिफेंडेंट सेक्शन 27 देख लीजिए जरा, इधर पे आप देख लीजिए सेक्शन 27 देख लीजिए, कंटेंट में लिखा है इधर समन्स टू डिफेंडेंट और उससे रिलेटेड कंसिक्वेंशियल एक दो सेक्शन और दिए हुए हैं। और यही बात अब यहां तो सिर्फ बता दिया है, इसका बाकी आगे का, आगे की सारी जो बातें हैं वो कहां बताई गई हैं तो वो आप आगे देखिए ऑर्डर में, ऑर्डर 5 निकाल लीजिए उसके लिए, करेस्पॉन्डिंग बात समझने के लिए। तो ऑर्डर 5 में देखिए इशू एंड सर्विस ऑफ समन। तो इसके साथ आपको क्या देखना है? ऑर्डर 5 देखना आपको, ऑर्डर 5। पर साहा का डाउट है कि जो बेसिक्स बता रहे हैं उससे प्री क्लियर हो जाएगा। बेटा प्री किससे क्लियर होगा ये इस दुनिया में किसी को नहीं पता, वो आपके पढ़ने से ही होगा। मैं बेसिक्स इसलिए बता रहा हूं ताकि सीपीसी आप पढ़ पाए, ये बेसिक्स इसलिए हैं ताकि ये जो डर है इस सब्जेक्ट का, इस बैरेट का, वो खत्म करना है। कल से पढ़ाऊंगा, अभी आज ये बेसिक बता रहा हूं, कल से पढ़ाऊंगा सब मैं आपको, एक एक चीज, एक एक जो इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चन प्री में बनता है, एक एक सवाल बताऊंगा सीपीसी से, 6 से 7 क्लासेस लूंगा, एक एक सवाल बताऊंगा क्या क्या आएगा प्री में, थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है बस आपको। सेक्शन 27 ऑर्डर 5 ये बात करता है कि आप देखो कहानी कहां तक पहुंचे, आप पहुंचे कोर्ट, कोर्ट डिसाइड कर लिया कौन सा है, कोर्ट ने देख लिया कि प्रॉपरली सूट फ्रेम होना चाहिए, अब कोर्ट ने कहा लाओ बुलाओ उसको जिसने राइट वॉयलेट किया, उसके लिए अपन आगे किस पे, समन्स पे आ गए। समन्स भेजेंगे, किसको भेजेंगे? डिफेंडेंट को समन्स भेजना है, ये सेक्शन 27 ने बता दिया कैसे भेजी जाएगी, पूरे रूल रेगुलेशन किधर मिल गए, ऑर्डर में मिल गए, क्या होगा कैसे होगा वो सब आपको ऑर्डर मिल जाएगा। ऑर्डर 5 में कब मान लिया जाएगा कि सर्विस हो गई है समन की, ये सारी कहानी उस ऑर्डर में मिल जाएगी। सो दैट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अब इसके आगे कहां जाएगी कहानी, कि चलो समन तो भेज दी आपने, प्लेंटिफ ऑलरेडी है, प्लेंट देके जा चुका है, प्लेंटिफ ने ऑलरेडी प्लेंट दे दी, उसके बाद ये सारा कार्यक्रम हो रहा है, समन भेज दिए गए हैं डिफेंडेंट को भी कि भैया तुम्हें भी आना है। अब इसके बाद क्या होगा? अपियरेंस होगी पार्टी की। इसके बाद क्या होगा? पार्टी की होगी अपियरेंस। तो देखिए इसके बाद एक आपको मिलेगा ऑर्डर, अपियरेंस एंड उसके कंसिक्वेंस, कंसिक्वेंस किसके? नॉन अपियरेंस के, क्योंकि कोर्ट ने समन भेज के बुलाया है, अगर नहीं आए तो मान लीजिए वही व्यक्ति नहीं आया जो सूट लेके आया था, आप गए थे मेरे अगेंस्ट सूट लेके कोर्ट और आप ही कोर्ट नहीं पहुंचे डेट ऑफ हियरिंग पे, या मान लीजिए जिसको समन भेजा था वो नहीं पहुंचा, तो अपियरेंस और नॉन अपियरेंस के कंसिक्वेंस बताए जाएंगे आपको
सीपीसी में कि क्या होंगे ये, उसके लिए देखिए जरा ऑर्डर ऑर्डर 9 पे आइए। ऑर्डर 9 इसके बारे में बताता है कि ठीक है ना, समन चले गए ना, अब अपियर होना आपको, अपियरेंस। तो अपियरेंस में आप देखेंगे इधर पे आ जाएगा आपका ऑर्डर 9। प्लेंटेफ तो पहले प्लेंट लेके आया था, अब हियरिंग वाले दिन देखेंगे क्या है भाई साहब कार्यक्रम आपका। और जो डिफेंडेंट है, जो दूसरी पार्टी है जिसको समन भेज के आपने बुलाया था, वो भी तो अपना साइड रखेगा ना, वो भी तो अपना पक्ष रखेगा कोर्ट के सामने इन राइटिंग। तो वो रखने के लिए भी एक सेपरेट ऑर्डर मिलेगा आपको, जिसको बोलते हैं रिटर्न स्टेटमेंट, एक और ऑर्डर, रिटर्न स्टेटमेंट। अब इस रिटर्न स्टेटमेंट से रिलेटेड रूल आपको मिल जाएंगे किसमें, ऑर्डर 8 में। इसके लिए देख लीजिए ऑर्डर 8। तो ये समझ में आया, पार्टीज को अपियर होना है दोनों को। प्लेंटिफ नहीं आया तो क्या होगा, डिफेंडेंट नहीं आया तो क्या होगा, ये सब कंसिक्वेंसेस मिल जाएंगे आपको उसमें ऑर्डर 9 में। और जो डिफेंडेंट है वो अपना जो पक्ष रखेगा इन राइटिंग, जैसे प्लेंटिफ ने प्लेंट के थ्रू रखा, डिफेंडेंट अपना पक्ष रखता है रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू। उस रिटर्न स्टेटमेंट के क्या रूल्स होंगे, क्या कहानी होगी, उसमें किस तरीके से रखना है, क्या कंटेंट होगा, जैसे प्लेंट का ऑर्डर 7 में दिया था, ऐसे ही रिटर्न स्टेटमेंट का दिया है ऑर्डर 8 में। ऑर्डर 8 देख लीजिए हेडिंग, आप यही लिखा है रिटर्न स्टेटमेंट, सेट ऑफ काउंटर क्लेम भी लिखा है, उसके बारे में बात करेंगे। अब अपियरेंस हो गई है, दोनों ने अपने अपने रिटर्न भी फाइल कर दिया, प्लेंट तो पहले ही फाइल हो गई थी, रिटर्न स्टेटमेंट भी फाइल हो गया, सब ये सारी चीजें हो गई। हमने ये भी देख लिया कि पार्टी अपियर होगी, और नहीं हुई तो उसके क्या कंसिक्वेंस, अपियर ना होने के क्या कंसिक्वेंस अपन ने ऑर्डर 9 में देख लिया। इसके बाद अब एक और इंपॉर्टेंट चीज ये आ जाती है कि मान लीजिए दोनों पार्टी अपियर होती हैं, तो फिर क्या होगा, पार्टीज का एग्जामिनेशन होगा। सो इसके बाद क्या आएगा, एक चीज आपका एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, ये क्यों होता है, क्या होता है, अभी समझना। कोर्ट पार्टीज को एग्जामिन करेगा पहले कि आप जो मैटर लेके आए, जो लड़ाई है आपकी, वो समझ ले जरा क्या है। आप सिर्फ ये जो ऑर्डर है, एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज बाय दी कोर्ट ऑर्डर 10, ये है ऑर्डर आपका 10। इसकी सीक्वेंस भी मैं चेंज कर देता हूं, इसको आप वैसे ही लिख लीजिए जिसमें दिया हुआ है। तो यहां पे आप पहले लिख लीजिए रिटर्न स्टेटमेंट, बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे इधर है, तो वो अपन एंड में एक बार और बेरेक्ट में देखेंगे जो चीजें छूटेंगी, क्योंकि सारी चीजें इस कहानी में शायद ना आए, कुछ कुछ बीच में भी आएगा। सो रिटर्न स्टेटमेंट आपका हो गया ऑर्डर 8 की कहानी, और उसके बाद हो गया आपका अपियरेंस, अपियरेंस और नॉन अपियरेंस के कंसिक्वेंस, ये सब कहां आ गया आपका ऑर्डर 9 में आ गया। ठीक, अब ये सब हो गया, अपियर हो रही है पार्टी, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट पहले उनको एग्जामिन करेगा, क्योंकि उसको देखना है कि वाकई कुछ है कि टाइम पास, क्योंकि मैंने कहा ना आपके पास जीवन में समय के अलावा है क्या, और टाइम पास करने कोर्ट पहुंच गए। इसीलिए आप रूल 1 पढ़ लीजिए इसका, ऑर्डर 10 का रूल 1 पढ़िए। रूल 1 में लिखा है एसरटेनमेंट वेदर एलिगेशंस इन प्लीडिंग आर एडमिटेड और डिनाइड, और उसके बाद अफियरेंस, एडमिट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, वो सारी चीजें कोर्ट को देखना है क्या है, बात है क्या, समझना है थोड़ा मैटर कुछ है कि नहीं है। इसीलिए पार्टी को एग्जामिन कर लेंगे पहले। वहां तो क्या होता है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप जानते हैं वहां पुलिस रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लिया जाता है, या फिर कंप्लेंट पे लिया जाता है, और कंप्लेंट पे भी कॉग्निजेंस लेके मजिस्ट्रेट क्या करता है, कंप्लेनेंट को एग्जामिन करता है, विटनेस को एग्जामिन करता है, तब आगे करता है इशू ऑफ प्रोसेस। ये सीआरपीसी में भी मैंने बताया था, क्योंकि कोर्ट का टाइम फ्री नहीं है, और पुलिस रिपोर्ट पे तो कॉग्निजेंस इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑलरेडी करा चुके हैं, भयानक इन्वेस्टिगेशन हुआ उसके बाद कार्यक्रम आगे। इधर भी तो इंश्योर होना है भाई, इधर भी तो होना है कोर्ट को इंश्योर कि वाकई चीजें हैं क्या है, देखें तो मैटर। सो एग्जामिनेशन ऑफ पार्टीज, इसीलिए ऑर्डर 10 लिखा हुआ है। अब इस एग्जामिनेशन को ही थोड़ा सा आगे लेके जाएं कि पार्टीज से तो बात कर रहा है कोर्ट, इसके बाद कोर्ट ये कहेगा कि भैया आप आपस में क्वेश्चन वेश्चन भी भेज लो, सवाल जवाब कर लो, पार्टीज आपस में भी ये काम कर ले। तो इसके आगे बढ़ते हैं फिर,
इस एग्जामिनेशन के आगे बढ़ेंगे तो ये होगा कि जैसे ठीक है, रिटर्न स्टेटमेंट और प्लेंट आ गया, ठीक है, प्लेंटेफ ने प्लेंट फाइल कर दी, डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर दिया, दैट्स ऑल राइट। उसके बाद पार्टीज अपियर हुई, एग्जामिन कर रहा है कोर्ट। साथ में ये भी होगा कि अब आपसे अब उसकी डिटेल में जाया जाएगा, जो मैटर है उसकी डिटेल में जाया जाएगा, उन फैक्ट्स को और ढूंढा जाएगा कि क्या है मैटर से रिलेटेड चीजें। इसको हम कहते हैं डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। इसको क्या कहते हैं सीपीसी में? डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। और आप देखेंगे सीपीसी में डिस्कवरी इंस्पेक्शन कैसे होता है, इंटेरोगेटरीज के थ्रू। इंटेरोगेटरी का मतलब समझते हैं, सवाल जवाब। जैसे सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा था ना कि कमीशन भेजते हैं, ऐसे विटनेस जिनको बुलाया नहीं जा सकता उनके लिए कमीशन भेजते हैं, तो वहां भी पार्टी के पास अधिकार था कि इंटेरोगेटरीज भेज दो साथ में क्रॉस एग्जामिन करने के लिए। इंटेरोगेटरीज बोले तो सवाल जवाब कर लीजिए, और फैक्ट्स को ढूंढना है क्या है केस से रिलेटेड, क्या डिटेलिंग है उसमें जाना है हमें इशू को समझने के लिए। इसलिए क्या होता है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन होता है। इससे रिलेटेड प्रोविजन आपको मिलेंगे। जरा सेक्शन पे आइए, पहले सब्सटेंशियल पार्ट देखिए, फिर करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर समझेंगे। इससे रिलेटेड सेक्शन देखिए जरा, सेक्शन 30, पावर टू ऑर्डर डिस्कवरी एंड दी लाइक। सेक्शन 30 देखिए इस चीज की बात करेगा, और छानबीन होगी उस मैटर में, पार्टीज के एग्जामिनेशन से बात नहीं बनेगी, और भी छानबीन होगी। सो सेक्शन 30 इधर लिख लीजिए, सेक्शन 30, और इसी के साथ ऑर्डर भी। ऑर्डर 11 आपके पास है इसके लिए, नेक्स्ट जो कंटेंट में चल रहा है एग्जामिनेशन के बाद, 11 डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। अब जब ये सवाल जवाब का सिलसिला चालू होगा ना, तो फिर कुछ ऐसी चीजें निकल के आएंगी जो दोनों पार्टी मानती हैं। जैसे आपने मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया कि इन्होंने हमको बोला था कि आप अगर ये सब्सक्राइबर 25 के पहुंचा दोगे तो मैं आपको मेंस के लिए भी लोकल लोकल लो सब यहीं पढ़ा दूंगा, और आप बोलोगे कि इन्होंने ब्रीच किया है। अब इस ये जो डिस्प्यूट है ना मेरे और आपके बीच, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो हम दोनों मानते हैं, उसको कहते हैं हम एडमिट करते हैं दोनों। जैसे मैं ये हो सकता है मैं ये मान लूं कोर्ट के, मैं ये जब जब आप इंटरोगेटिव में, हो सकता है मैं उसमें ये बात बोल दूं कि हाँ साहब मैं तो मानता हूं मैंने ऐसा बोला था, लेकिन ये जो बता रहे हैं ये गलत बता रहे हैं, मैंने 25 नहीं 30 बोले थे, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ है ये मैं मानता हूं, इस फैक्ट को मैं एडमिट करता हूं, बट मैंने ब्रीच नहीं किया है, बात कुछ और हुई थी, या ये जो कह रहे हैं कि इस समय पे पढ़ाना था उसकी बात नहीं हुई थी। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ चीजें मैं भी मान लूं, जो आपने एलिगेशन लगाए मैं कुछ चीजें मान सकता हूं आपकी। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडमिशंस। जब दोनों पार्टीज जिन चीजों पे अग्री करती है उसको क्या कहते हैं? एडमिशंस कहते हैं। और ये एडमिशंस आपको किधर मिलेंगे देखने को? तो वो मिलेंगे आपको ऑर्डर 12 में। अगला ऑर्डर देखिए एडमिशंस है। ओके, हो सकता है ना कुछ चीजें मैं मान लूं, खुद ही एक्सेप्ट कर लूं कि हाँ कॉन्ट्रैक्ट तो हुआ था भाई साहब, ये तो हम मानते हैं। तो इसका फायदा क्या है? अब बात समझना, इन एडमिशंस का फायदा क्या है? फायदा ये है कोर्ट का समय। फिर वही बात कि कोर्ट के पास समय नहीं और आपके पास समय के अलावा कुछ नहीं है, तो इसीलिए कोर्ट अपना तो समय बचा लेगा। तो ये जो एडमिशंस हो गए हैं इन पे फिर आगे बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है भाई, जब मैं ये तो बात मैं मान रहा हूं ना कि हाँ मैंने ऐसा कुछ बोला है, हमारे बीच में एक अग्रीमेंट हुआ था ये मैं मानता हूं, तो आप उस अग्रीमेंट को प्रूफ करने नहीं जाओगे आप प्रोसीडिंग में कि हाँ हम तो वो वीडियो दिखाएंगे जिसमें इनने बोला था, कोर्ट कहेगा रहने दो नहीं चाहिए, जब मान रहा सामने वाला फिर क्यों उसमें क्यों पढ़ना। आगे बात किस पे होगी? जो कॉन्ट्राडिक्टरी बातें होंगी, जो आप एलीज करेंगे और मैं डिनाई करूंगा, ऐसी बातों पे आगे बढ़ेगा कोर्ट। अब कोर्ट को यह देखना है कि बेसिक डिस्प्यूट है किस चीज पे, कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिस पे आगे हमको डिसाइड करना है। कुछ इश्यूज तो सेटल है ना, ऑलरेडी हो गया ना, कुछ इश्यू तो एडमिशन हो गया, वो तो बात खत्म हो गई ना। अब कोर्ट ये कोशिश करेगा कि नहीं भाई, कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक पार्टी एलीज कर रही है दूसरी डिनाई कर रही है,
वो बनते हैं इधर इश्यूज, आगे की जो प्रोसीडिंग होगी उन इश्यूज पे चलेगी। तो इसके बाद एक चीज आप पढ़ेंगे सीपीसी में, जिसको बोलते हैं फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज या सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। इसको क्या बोलते हैं? सेटलमेंट ऑफ इश्यूज। और इश्यूज कौन सी चीजें बनती हैं जो पार्टीज डिनाई करें, एक एलिज करे दूसरा डिनाई करे। अगर मान लिए तो दूसरी पार्टी ने मान लिया, वो तो एडमिशन हो गया ना, उस पर क्यों बात करेंगे। अगला ऑर्डर देखिए आप, ऑर्डर 14। बीच में 13 भी है, उसके बारे में बाद में बताऊंगा, अभी कहानी के बीच में डिस्टर्ब मत करना कि ये भी छूट गया, वो सब मुझे ध्यान है, बाद में बताऊंगा। सेटलमेंट ऑफ इश्यूज होगा, फिर देखा जाएगा कि किन बातों पे अग्री नहीं कर रहे हैं दोनों, एक बंदा बोल रहा दूसरा डिनाई कर रहा। इसको कहते हैं सेटलमेंट ऑफ इश्यूज, डिटर्मिनेशन ऑफ सूट ऑन इश्यू ऑफ लॉ। एंड उसका रूल वन देख लीजिए, फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। फ्रेम करेंगे किन पे होंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज, जिसको आप डिनाई कर रहे हैं। सो ये हो गया आपका ऑर्डर 14 इधर। ऑर्डर 14 ये अब पूरा प्रॉपर, क्योंकि देखिए इसका भी फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज का भी पर्पस क्या है, पॉइंट टू पॉइंट बात हो, फालतू की बातें ना हो प्रोसीडिंग में, जो काम की बात है वही बात हो उस प्रोसीडिंग में। इसीलिए कोर्ट इश्यू फ्रेम करता, पर्पस क्या है इश्यू फ्रेम करने का, ये है ताकि ट्रैक पर रहे प्रोसीडिंग, ऐसा ना हो कि कुछ फिजूल की बातें होने लगे बीच में। इसलिए इश्यूज, जैसे आपने क्रिमिनल प्रोसीडिंग में देखा है फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस होती है, अक्यूज को बताने के लिए, अक्यूज को समझाने के लिए कि तुमको यहां क्यों लाया है, क्या एलिगेशन है तुम्हारे ऊपर, उसी से प्रोसीडिंग का पूरा डायरेक्शन बनता है। जो चार्जेस फ्रेम किए उन्हीं चार्जेस को तो प्रूफ करना है प्रोसिक्यूशन का, प्रोसिक्यूशन को। ऐसे इधर पे इश्यूज फ्रेम होते हैं कि दोनों पार्टीज के बीच में एक्चुअली विवाद है किस बात का, उन पॉइंट्स को रख लेते हैं बस, दैट्स कॉल्ड फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इसीलिए एक ऑर्डर दिया है कोर्ट ने अपना, समय पूरा सीपीसी का सार क्या है, कोर्ट के पास समय ज्यादा नहीं है, ठीक। तो फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज हो जाएगी या सेटलमेंट ऑफ इश्यू, एक ऑर्डर आप पढ़ेंगे यहां। अब जब ये फ्रेमिंग होगी, हो सकता है ये भी हो कि कोर्ट को ऐसा लगेगा अरे कुछ है ही नहीं इनके बीच में, तो फालतू आ गए ये लोग, कोई इश्यूज ही नहीं बनते इस पार्टी के, तो इन दोनों के बीच में एक्चुअली कोई डिस्प्यूट है ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप टाइम पास के हिसाब से पहुंच गए हो कि चलो कोई वैकेंसी नहीं है तो सूट सूट ही खेल लेते हैं, कोई विवाद है नहीं एक्चुअली, सब्सटेंस में कुछ विवाद है नहीं, जबरदस्ती। तो ऐसे में क्या होता है, उसके लिए लिखा हुआ है ऑर्डर 15, डिस्पोजल ऑफ द सूट एट द फर्स्ट हियरिंग। तो क्या लिखा है इधर पे, डिस्पोजल ऑफ सूट एट फर्स्ट हियरिंग। पहली हियरिंग पे ही खत्म कर देंगे, और उसमें भी आप देखेंगे रूल एक आध पढ़ेंगे तो आपके समझ में आएगा। ऑर्डर 15, ऑर्डर 15 के कंटेंट पे अपन चल रहे हैं। कंटेंट में जरा पहला रूल देखिए, पार्टी इज नॉट एट इशू, कोर्ट को लगता है कि कोई इशू है ही नहीं इनके बीच में, फिर भी आ गए हैं, है ना। तो पहली हियरिंग में डिस्पोज ऑफ करा जा सकता है, ये बताएगा आपको ऑर्डर 15। लेकिन अगर मान लीजिए वाकई इश्यूज बनते हैं, ये जो सेटलमेंट ऑफ इशू आपने पढ़ा ऑर्डर 14 में, इश्यूज बनते हैं और लगता है कि हाँ आगे प्रोसीड करना है, हमें आगे बढ़ना है, अब क्या करेंगे भाई, अब आप अपनी बातों को प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, विटनेस बुलाएंगे। पार्टीज तो आ गई, पहले हमने समन किसको बुलाने के लिए भेजा, डिफेंडेंट को बुलाने के लिए भेजा। डिफेंडेंट को समन भेजने के बाद हमने देखा अपियरेंस ऑफ पार्टी एंड इट्स कंसिक्वेंस, द कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन अपियरेंस, नहीं आए तो फिर क्या कंसिक्वेंस होंगे, वो हमने देखा। उसके बाद पार्टीज का एग्जामिनेशन भी देख लिया हमने। अब जब इशू बन गए हैं कि हाँ वाकई प्रोसीड करने लायक केस है, आगे बढ़ना है, विवाद है एक्चुअली, तो अब उसके जजमेंट तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विटनेसेस को एग्जामिन करना पड़ेगा, और एग्जामिन करने के लिए पहले बुलाना पड़ेगा। तो अगला ऑर्डर देखिए फिर, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस। अगला ऑर्डर किस बात में करे, किस चीज की बात करेगा, तो वो करेगा समनिंग एंड अटेंडेंस, ठीक है। तो समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, ये किसकी अटेंडेंस की अब अपन बात कर रहे हैं, किसको समन कर रहे हैं, विटनेस को, डिफेंडेंट को ऑलरेडी बुला चुके हैं, इनको बुलाएंगे अपन, ठीक।
इसके लिए आपको सेक्शन भी मिल जाएंगे। सेक्शन 31 देख लीजिए जरा कंटेंट में, सेक्शन 31 देख लीजिए। और इसके अलावा आप देखिए ऑर्डर 16 और ऑर्डर 16A B। कोई व्यक्ति अगर प्रिजन प्रिजन में है तो उसको बुला लिया जाएगा समन भेज के। तो आप ऑर्डर 16 की हेडिंग देखिए, समनिंग एंड अटेंडेंस ऑफ विटनेस, और 16A है अटेंडेंस ऑफ विटनेस कन्फाइंड और डिटेन्ड इन प्रिजन, जेल में है तो उसको कैसे बुलाएंगे। और सेक्शन 31 भी इन्हीं की इनको बुलाने की बात करता है। कहानी समझ में आ रही है ना? इश्यूज मिल गए हैं कोर्ट को प्रोसीड करने के लिए। अब बात होगी प्रूफ करने की, तो प्रूफ करने के लिए पहले विटनेस लाओ। तो विटनेस को पहले कॉल किया जाएगा समन भेज के, फिर उसकी अटेंडेंस होगी, ठीक। और इसके आगे आप बढ़े अगर, तो भाई मान लीजिए ये आते हैं समनिंग एंड अटेंडेंस के बाद विटनेस आते हैं, तो फिर क्या होगा, आगे प्रोसीड करेंगे, हियरिंग होगी और एग्जामिनेशन होगा विटनेस का। आगे क्या होगा, मान लीजिए ये आते हैं जिनको आपने बुलाया, विटनेसेस आएंगे और फिर क्या होगा, हियरिंग होगी मैटर की, हियरिंग एंड एग्जामिनेशन। ऑफ विटनेस, हियरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये होगा फिर अब, ठीक। ऑर्डर 18, ऑर्डर 18 देखिए, हियरिंग एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। अब इससे रिलेटेड पूरे प्रोविजन इधर 18 में आपको मिल जाएंगे इनके एग्जामिनेशन से रिलेटेड। अब एक बात और ध्यान रखना इधर, जो मैंने आपको सीआरपीसी में भी बताई थी कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को कोर्ट में बुलाना सही नहीं है, संभव नहीं है। वैसे तो लिखा है कि समन भेज के आप बुलवा लीजिए विटनेस, लेकिन इस तरीके के विटनेस हैं जिनको कोर्ट बुलाना संभव नहीं है, या बुलाएंगे तो अननेसेसरी इनकन्वीनियंस होगा। ये सब सीआरपीसी में पढ़ा था कि मान लीजिए मोदी जी को बुलाना है एज अ विटनेस भोपाल के कोर्ट में, तो पहले हेलीपैड की व्यवस्था होती है, बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में पहले हेलीकॉप्टर उतरता है, फिर रोड बनाई जाती है कि वहां से लेके दशहरा मैदान तक सिर्फ उतनी रोड बनेगी रात में, जहां से मोदी जी जाएंगे उतनी रोड बनाई जाएगी, फिर तब जाके वो कोर्ट पहुंचेंगे कहीं इधर एमपी नगर। इतनी समस्या है, इससे अच्छा क्या करो, कमीशन इशू कर दो भाई साहब। इस तरीके के लोगों को कोर्ट बुलाने की बजाय आप ये करिए, बेटर ऑप्शन है, कमीशन इशू कर दीजिए, यहीं से किसी को भेज दीजिए, पूछताछ करके वापस आ जाए, काम खत्म। इतना तामझाम नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सब के लिए भी खर्चा पार्टी को करना है। वो कहेगा साहब जितने में तो बुलाऊंगा उतने का तो सूट नहीं है मेरा, रहन दो। इसलिए इसलिए क्या करते हैं, कमीशन। तो बीच में कमीशन भी आएगा, बीच में आपको कमीशन भी देखने को मिल जाएगा कहीं, तो एक हेड वो भी लिख लेते हैं। इसलिए मैंने कहा सीक्वेंस में चलना बहुत पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं क्या क्या बातें हैं और वो कहां रिफ्लेक्ट हो रही है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको एक बार पूरा कंटेंट रीड आउट करके वो कनेक्शन भी बताऊंगा, है ना, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अभी तो आप उस कहानी में सारी चीजें समझ लीजिए कि किस किस चीज को की आपको जरूरत पड़ती है, और ये सब जो लिखा है इतना सारा इधर, ये सब क्यों लिखा है। बेसिक समस्या यही तो आपको हो रही थी पढ़ने में, सीधी सी कि यही समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है और क्यों है इतना सारा जो ज्ञान लिखा है इस डायरेक्ट में, ठीक। तो कमीशन में आप देखेंगे सेक्शन 75 से 78 आपको सब्सटेंशियल प्रोविजन मिल जाएंगे इसके, और साथ ही करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स भी मिलेंगे आपको। ऑर्डर 26 देख लीजिएगा तो कमीशन समझ आएगा, उसका डिटेल्ड प्रोसीजर ऑर्डर 26 में दिया है, तो ये देख लीजिए कि अगर विटनेस को नहीं बुलाना या किसी व्यक्ति को नहीं बुलाना तो कमीशन इशू कर लो, उससे भी काम चलेगा। वापस आते हैं अपन अपनी कहानी पे कि भाई अब एग्जामिनेशन हो रहा है विटनेसेस का, और आपको लेने हैं एविडेंसेस। ये जो एविडेंसेस लिए जा रहे हैं, जो भी चीजें कोर्ट में पेश करी जा रही हैं, कोर्ट को क्या चाहिए, काम की बात, ऑथेंटिक बात, फालतू की बातें कोर्ट को चाहिए नहीं। इसलिए कोर्ट क्या कर सकता है, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ा सकता है। कैसे बढ़ाते हैं ऑथेंटिसिटी, थ्रू एफिडेविट्स। एफिडेविट का क्या मतलब होता है, क्या काम होता है, एफिडेविट का क्या मतलब होता है या क्या काम होता है, ताकि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश ना करें कहीं कोई। एफिडेविट का बेसिक पर्पस यही होता है। तो ऑर्डर 19 बताता है एफिडेविट की बात,
कि आप कहीं फॉल्स इंफॉर्मेशन तो नहीं कर रहे हैं। एफिडेविट पे कोई चीज लेने का मतलब, जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कहीं और एडमिशन तो नहीं चल रहा है, कुछ और तो नहीं चल रहा है। सच बताएंगे कब? जब एफिडेविट पे लिया जाएगा, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन एक सेपरेट ऑर्डर में आपको मिल जाएंगे। अब ये जो पूरा हो रहा है कि हमने कहां से चालू किया, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से हमने चालू किया, सूट इंस्टीट्यूट हुआ, पार्टीज के बारे में देखा, फिर पार्टी आई तो देखा कि फ्रेम ऑफ सूट होना चाहिए, कि प्रॉपरली फ्रेम होना चाहिए, फिर हमने डिफेंडेंट को बुलाया, समन करके उनका एग्जामिनेशन किया, फिर विटनेस बुलाए, पहले इश्यूज सेटल हुए उसके बाद आपने विटनेस बुलाए, उनका एग्जामिनेशन आपने कर लिया। ये प्रोसेस समझ में आ रहा है ना किधर जा रहा है? सिविल प्रोसीजर में क्यों ये सब लिखा हुआ है? सीपीसी में सब काम की बातें हैं, कुछ फिजूल नहीं लिखा, सब वही चीजें हैं जो आप के लिए आपको लॉजिकली भी जो लगती हैं जो होना चाहिए, ये वही बातें हैं सारी। अब ये सब हो गया, एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन होगा, अब कोर्ट क्या करेगा? मैटर को डिसाइड करेगा एक्चुअली। तो अब क्या आएगा इसके बाद नेक्स्ट? तो नेक्स्ट में आएगा आपका जजमेंट। अब ये सब है ना, विटनेस विटनेस एग्जामिन हो गए, आपके बातें बातें सारी सुन ली, तो आएगा क्या? जजमेंट एंड डिक्री। मैंने डिक्री भी आपको पहले ही बता दी क्या डिफरेंस है जजमेंट और डिक्री के बीच, वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो अब इसके बाद देखिए, जजमेंट एंड डिक्री, इसके लिए सेक्शन ऑर्डर दोनों मिलेंगे। सेक्शन मिलेगा 33, ऑर्डर 20। सेक्शन देख लीजिए, सेक्शन 33 ऑर्डर 20 बात करता है जजमेंट और डिक्री की। अब इससे रिलेटेड प्रोविजन, सब्सटेंशियल पार्ट आपको 37 में मिलेगा और उसका डिटेल्ड वर्जन ऑर्डर 20 में मिलेगा आपको, जजमेंट और डिक्री। इसके बारे में पूरी कहानी है, आप देख सकते हैं, 20 रूल हैं इसमें जजमेंट एंड डिक्री में। तो ये आपकी प्रोसीडिंग एक तरीके से एंड की तरफ आ रही है, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से एंड तक। बीच में क्या क्या चीजें आ रही हैं वो मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बैठ रहा है। तब जब ये प्रोविजन अपन पढ़ना चालू करेंगे ना, कि फ्रेम ऑफ सूट जो ऑर्डर था उसके अंदर के जो रूल्स हैं वो समझ में इसलिए नहीं आते क्योंकि आपको यही नहीं पता कि वो फ्रेम ऑफ सूट है क्या और क्यों पढ़ा जा रहा है। अभी आप उस प्रोसेस में समझोगे कि कहां था फ्रेम ऑफ सूट, क्यों था पर्पस, तो आपको अंदर का रूल खुद भी समझ में आ जाएगा। इसके बाद आप खुद भी पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो आप 60% बातें समझ लेंगे कि ये सब क्यों चल रहा है, क्योंकि वो चेन समझ में आनी चाहिए। सेम इज विद सीआरपीसी, इसलिए मैंने सीआरपीसी में आपको कहा था पहले आप वो कहानी वाली चीज देखो कि ये सब फिट किधर होता है उस प्रोसेस में, तब अंदर की बात ज्यादा अच्छे से कैच होगी आपको, वो कोरिलेशन आपको समझ में आएगा कि साइमल्टेनियस क्या क्या चीजें चल रही हैं। ठीक, तो भाई जजमेंट एंड डिग्री हो गया। अब जरा एक बात और समझना, अब मान लीजिए जो हमारा केस चल रहा है, आपने जो मेरे अगेंस्ट सूट फाइल किया है कि इन्होंने बोला था कि मेंस भी पढ़ा देंगे, मान लीजिए जजमेंट आया आपके फेवर में, मान लीजिए जजमेंट आया आपके फेवर में, या चलिए थोड़ा सा बेनिफिट मुझे भी दीजिए, मान लीजिए जजमेंट मेरे फेवर में आया कि ठीक है ये फालतू बात कर रहे हैं बच्चे, कुछ नहीं था, आपने कोई ऐसा मतलब उसमें जो भी डिसीजन हुआ कि मुझे नहीं करना है। अब ये हो सकता है कि मैं भाई खर्चा हुआ ना, जिसके भी फेवर में आए जजमेंट, खर्चा तो हुआ दोनों पार्टी का। अब मैं कोर्ट से कहूंगा कि साहब देखो, एक तो इनको मैंने, इनको हम लोगों ने एमपी एडीपीओ के लिए पढ़ाया, इनको हमने यूपी का क्रैश कोर्स करवाया, यूपी क्या मतलब, ये तो सभी स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो रात को 9 बजे मैं क्लास लूं 11 बजे तक, और उसके बाद आप मतलब पराकाष्ठा देखिए कितनी, किस कदर मतलबी हो सकते हैं लोग, कि मतलब इन लोगों ने वो भी पढ़ा और फिर मेरे अगेंस्ट सूट फाइल करने आ गई, कि वो नहीं, उसमें मेरा खर्चा हुआ है, मेरा समय गया उसमें, ये सब हुआ मेरे साथ, साहब मुझे इसका पैसा दिलवाइए, ये जो मेरा खर्चा हुआ है जबरदस्ती इनके चक्कर में, मुझे उसका पैसा तो दिलवाओ, क्योंकि एक तो इनको पढ़ाया और ऊपर से ये उल्टा केस और ये उल्टा प्रोसीडिंग्स और करके बैठ गए। किसी के भी फेवर में हो सकता है कॉस्ट, किसी की भी लग सकती है, जिस डिपेंड करेगा कोर्ट पे किसको देना है। तो उससे रिलेटेड प्रोविजन भी आपको मिलेंगे। मैंने बताया था ना सिविल में जब अपन वो पढ़ रहे थे, कुछ जगहों पे सीआरपीसी में भी कॉस्ट या कॉम्पेंसेशन की बात है, कुछ जगहों पे है। तो सीआरपीसी अगर आपने देखा है तो आपको समझ में आया होगा कहाँ है और क्या है, तो कॉस्ट के बारे में भी बात होगी इधर। प्रोसीडिंग में आप अननेसेसरी डिले कर रहे हैं तो भी कॉस्ट लगाएगा एज अ प्यूनिटिव मेजर भी,
फालतू का एडजस्टमेंट ले रहे हो आप। कोर्ट का समय है बहुत इंपॉर्टेंट, आपने कोर्ट का समय खराब किया है, उस पर भी कॉस्ट होगी। जैसे आप मैच में देखते हैं ना क्रिकेट में, कि जिसने डिले किया उनकी मैच फीस में से पैसा लग जाता, देना पड़ता कैप्टन को, बस प्रोसीडिंग डिले करी उस पर भी कॉस्ट। कॉस्ट से रिलेटेड प्रोविजन आपको मिल जाएंगे, सेक्शन 35 देख लीजिए इससे रिलेटेड। तो सेक्शन 35, 35A, 35B, ये देख लीजिए आप, तो कॉस्ट की बात करते हुए दिख जाएंगे ये प्रोविजन आपको। इसके अलावा ऑर्डर 20A भी आप देख सकते हैं, ऑर्डर 20A भी आपको कॉस्ट के बारे में बात करता हुआ दिख जाएगा। तो ये जो पूरे कॉस्ट की कहानी है वो इधर मिले। क्यों, जजमेंट वजमेंट हो गया? ठीक है भैया, जजमेंट समझ लिया हमने, आ गया जजमेंट किसी के फेवर में, लेकिन दूसरी पार्टी का जो आपने समय खराब करवाया, जो एफर्ट और जो पैसा लगवाया है उसमें, एक आध क्रैश कोर्स में और करवा देता उतने वहां कोर्ट ले गए मुझे, उसका पैसा लूंगा ना, कॉस्ट दैट्स हियर। ठीक, अब इसके अलावा अब क्या होगा, देखिए जजमेंट आ गया, डिक्री आ गई, ठीक, एडजुडिकेशन फॉर्मल लिख के भी दे दिया आपको कि हाँ ऐसा होना है। अब डिक्री आ गई इसका मतलब ये थोड़ी ना कि सामने वाली पार्टी वो फुलफिल कर ही दे, आपके राइट को कोर्ट ने तो रिकॉग्नाइज कर दिया दूसरी पार्टी के अगेंस्ट, और दूसरी पार्टी का मान लीजिए ऑब्लिगेशन भी उन्होंने डिसाइड कर दिया। जैसे मैंने वो कब्जा करने वाला केस बताया कि एक व्यक्ति है जिसके घर पे किसी दूसरे ने कब्जा कर लिया है, वो व्यक्ति कोर्ट गया जिसके घर पे कब्जा हुआ था और अपने फेवर में एक डिक्री भी ले आया कि हाँ पोजेशन का राइट उसका है। ये तो आ गया कि पोजेशन का राइट उसका है, लेकिन अब समस्या कहां रही, वो तो खाली करने कोई तैयार नहीं है। तो फिर ये व्यक्ति जिसके पास डिक्री है उसको अपन क्या बोलते हैं, डिक्री होल्डर। जिसके पास डिक्री है, जिसके फेवर में डिक्री है उसको बोलते हैं डिक्री होल्डर, जिसके अगेंस्ट है उसको बोलते हैं जजमेंट डेटा। अब ये जो डिक्री होल्डर है क्या करेगा, एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग के लिए जाएगा कि साहब वो घर खाली भी तो करवा दो, आपने बोल तो दिया कि मेरे को रहने का अधिकार है, करवाओ। तो मान लीजिए आपने मुझसे डैमेज ले लिया, आप जीत गए केस में और मैंने कहा नहीं दे रहे पैसे, ठीक है ले आए डिग्री, तो क्या हुआ, तो फिर आप कोर्ट जाएंगे एक एप्लीकेशन लेके। इसलिए एग्जीक्यूशन के लिए वर्ड एप्लीकेशन देखेंगे, जैसे सूट के लिए प्लेंट, एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन। लिमिटेशन में भी ये सब चीजें काम आएंगी, मान करता सूट्स एंड एप्लीकेशंस, वह समझ नहीं आता कहीं की एप्लीकेशन। तो जब आप जाएंगे आप एग्जीक्यूट कराने, आपके फेवर में आ गई ये डिग्री, लेकिन जो आपका राइट रिकॉग्नाइज हुआ, जो आपको मिलना है, वो भी दिलवाने कोर्ट ही बीच में आएगा, उसके लिए भी कोर्ट ही जाना पड़ेगा, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूशन। तो आप क्या करवाएंगे उस डिक्री का, आप करवाएंगे एग्जीक्यूशन, उसके लिए फिर आप कोर्ट जाएंगे डिक्री एग्जीक्यूट कराने। और एग्जीक्यूशन के लिए आप सेक्शंस अगर देखें तो देयर आर मल्टीपल सेक्शंस। सेक्शंस अगर आप देखेंगे तो सेक्शन आपके 36 से 74 काफी ज्यादा है, 36 to 74, ये सब्सटेंटिव पोर्शन। और ऑर्डर 21 भी आपको इसी से रिलेटेड मिलेगा, डिटेल प्रोविजन भी मिलेगा, सब मिलेगा, सेक्शन भी है काफी सारे और फिर ऑर्डर भी मिलेगा। ये सब एग्जीक्यूशन के, आप इस पार्ट का नाम देख लीजिए, अगर आपको सेक्शंस में समस्या है 36 के ऊपर देखिए पार्ट का नाम क्या लिखा है। सेक्शन वाले कॉलम में जाइए कंटेंट में और उसमें देखिए जरा 36 के ऊपर पार्ट 2 एग्जीक्यूशन, वो सब एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है, 74 तक सारी बात सब एग्जीक्यूशन से। अब देखो जरा एक बार देख भी लेना, अंदर का कार्यक्रम भी देख लिया, एग्जीक्यूशन कैसे होगा तो थोड़ा सिमिलर लगेगा, अगर आपने सीआरपीसी भी पढ़ रखा है तो। एग्जीक्यूशन आपको पहले जनरल बात बताइए, फिर लिमिट ऑफ टाइम फॉर एग्जीक्यूशन, अच्छा एक एक हेड आपको ये भी मिलेगा, क्वेश्चंस टू बी डिटरमाइंड बाय कोर्ट एग्जीक्यूटिंग डिक्री, कि जो कोर्ट एग्जीक्यूट कर रहा है वो क्या क्या क्वेश्चन डिटरमाइन करेगा। देखो फिर भाई कोर्ट का समय, पता चला मैटर जो राइट ऑलरेडी रिकॉग्नाइज हो गया, आप एग्जीक्यूशन कोर्ट के पास जाके भी वही मांग रहे हैं, क्या एग्जीक्यूशन कोर्ट भी वही करेगा? नहीं भाई साहब, वो नहीं करेगा, उसका काम सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। तो ये भी बताया गया सीपीसी में कि एग्जीक्यूटिंग कोर्ट को क्या करना है, कौन से क्वेश्चन डिटरमाइन करने, कौन से नहीं करने, और ये प्री में सवाल पूछा जाता है। मतलब आप ये मत सोचना कि मैं बस आपको ऐसी कहानी सुना रहा हूं, ये सब प्री के क्वेश्चन है सीपीसी के ना। अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आए हैं ना, तो ये बात समझ लेना कि 3 क्वेश्चन तो सिर्फ इस पे बन जाते हैं कि स्ट्रक्चर क्लियर है हमारे दिमाग में,
सीपीसी का कंटेंट, ये जो कंटेंट वाला पोर्शन है, ये स्ट्रक्चरिंग अगर क्लियर है ना कि क्या चीज प्रोसेस में किधर फिट हो रही है, मैं बता रहा हूं 10 में से 3 सवाल तो इस पे बनते हैं आपके। ऑर्डर्स के नंबर पूछे जाते हैं, बेसिक चीजें पूछे, वो सब इस पे बन जाएंगे आपके सिर्फ, अगर ये प्रोसेसिंग आपके समझ में आ गई, और इससे ये सब्जेक्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। तो अगर आप ये समझेंगे कि 36 से 74 तक सब एग्जीक्यूशन की तो बात चल रही है इधर पूरी, आप देखिए कि एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिंग कोर्ट क्या क्या कर सकता है। फिर प्रोसीजर इन एग्जीक्यूशन में अरेस्ट डिटेंशन दिख रहा होगा, अटैचमेंट दिख रहा है एक सब हेडिंग, क्योंकि भाई साहब डिग्री एग्जीक्यूट करानी है, कोर्ट ने आपके फेवर में बोल तो दिया कि हाँ कॉम्पनसेशन ले लो इनसे, मैं नहीं दे रहा कॉम्पनसेशन, फिर तो अरेस्ट डिटेंशन, प्रॉपर्टी का अटैचमेंट, जैसे अपन ने सीआरपीसी में पढ़ा था, पर्सन की प्रेजेंस इंश्योर कराने के लिए आप अटैचमेंट कर देते हैं, प्रॉपर्टी सेल कर देते हैं, डिग्री एग्जीक्यूट कराने के लिए प्रॉपर्टी अटैच करके सेल कर देंगे, ये सब इधर पे मिल जाएगा आपको, ये पूरा इसी से रिलेटेड है। और ऑर्डर 21 बी एग्जीक्यूशन से रिलेटेड सारी बात करेगा कि कैसे एग्जीक्यूट होना है। ये है बेसिक बातें जो आपको जाननी चाहिए सीपीसी की पूरी स्टोरी में। तो एक बार तुरंत ब्रशअप करते हैं जितनी चीजें हमने पढ़ी, कहां से कहानी हमारी चालू हुई थी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट से। इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में हमने देखा कहां इंस्टीट्यूट करोगे, कोर्ट में करेंगे, उससे रिलेटेड प्रोविजन। उसके बाद हमने देखा कौन करेगा, तो पार्टी, कौन प्लेंटिफ, कौन डिफेंडेंट, ये सब भी होगा, उसके लिए एक ऑर्डर है सेपरेट, पार्टीज टू सूट। जो इंस्टीट्यूशन हो रहा है, प्लेंटिफ कर रहा है, कैसे कर रहा है, प्लेंट से कर रहा है, तो प्लेंट से रिलेटेड रूल ऑर्डर 7 में पूरे मिल जाएंगे। फिर क्योंकि आप प्लेंट लेके आए, कोर्ट ये भी इंश्योर करेगा कि ये सूट पूरा कॉम्प्रिहेंसिव है कि नहीं, इसमें सारी बातें डिसाइड हो जाएंगी कि इसके बाद भी कुछ रह जाएगा, क्योंकि वही कोर्ट का समय है, इसीलिए फ्रेम ऑफ सूट, उससे रिलेटेड रूल भी दे दिए हमने, कैसे आपको फ्रेम करना है सूट को, क्या क्या इंक्लूड होगा उसमें। उसके बाद हमने देखा समन टू डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, उसके बाद वो रिटर्न स्टेटमेंट भी, डिफेंडेंट अपना पक्ष कैसे रखेगा थ्रू रिटर्न स्टेटमेंट, अपियरेंस और उसका कंसिक्वेंस, उसका रिस्पेक्टिव ऑर्डर, फिर एग्जामिनेशन होगा पार्टीज का ऑर्डर 10 के अंदर, उसके बाद डिस्कवरी इंस्पेक्शन जानने के लिए मैटर को, और वो सारी कहानी, फिर एडमिशंस हो जाएंगे, कुछ ऐसी बातें जो दोनों पार्टी मान लेंगी तो उसपे इशू फ्रेम नहीं होंगे, आगे बात नहीं बढ़ेगी, और जिन पे कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन होगा, एक व्यक्ति एलिज कर रहा है दूसरा डिनाई कर रहा है, वो इशू बन जाएंगे, उसकी प्रोसेस आपको ऑर्डर 14 में मिलेगी। और अगर कुछ नहीं मिला पार्टीज के बीच तो डिस्पोजल हो सकता है फर्स्ट हियरिंग में, ऑर्डर 15 उसकी बात कर देता है। और फिर हमने देखा विटनेस बुलाएंगे, अगर आगे बढ़ना है प्रोसीडिंग में तो विटनेस बुलाएंगे, उनकी अटेंडेंस, फिर उनकी उनका एग्जामिनेशन होगा, और उसी से रिलेटेड अपन ने कमीशन भी देख लिया फिर कि एग्जामिनेशन कैसे कर सकते हैं, और फिर एफिडेविट पे चीजें उनसे ली जाएंगी अगर आपको इंश्योर करना है कि ट्रू इंफॉर्मेशन ही आए तो। फिर जजमेंट आएगा, डिक्री आएगी, और कॉस्ट भी लिवाई करी जा सकती है, और फिर एग्जीक्यूशन होगा। इसके बीच में भी कुछ चीजें हैं, 2-3 टॉपिक, 2-3 चीजें इसके बीच में भी हैं। वो 2-3 चीजें क्या है, अटैच एंड सॉरी अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, एक ऑर्डर आपको ये भी मिलेगा, जरा बेरेक्ट में देखिए, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, वो भी देखिए जरा, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन दिस स्टोरी, इस कहानी का ही पार्ट है वो भी। 38, ऑर्डर 38 देखिए, 38 है तनवीर, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, जजमेंट के पहले ही बीच प्रोसीडिंग में अरेस्ट हो रहा है, क्यों हो सकता है ऐसा? मान लीजिए आपने मेरे साथ अग्रीमेंट किया था कि आप मुझे अपना मोबाइल फोन देंगे 10,000 रुपए में, अब मैं प्रोसीडिंग तो फाइल कर रहा हूं कोर्ट में जाके, आपने ब्रीच कर दिया, बाद आपने बाद में फोन देने से मना कर दिया मुझे, तो मैं सूट तो फाइल करूंगा, लेकिन मुझे ये अंदेशा है कि मुझे चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, मैं कोर्ट में जाके आपको कंपेल करना चाहता हूं कि आप वो फोन मुझे दें, अब मुझे ये अंदेशा है कि आप फोन ही गायब कर देंगे, जब तक उस सूट का जजमेंट आएगा तब तक आप वो फोन ही गायब कर सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ऐसा अगर अब अगर ऐसी संभावना है, और कोर्ट को जाके मैं ये सेटिस्फाई कर दूं कि साहब हो सकता है डिफेंडेंट भाग जाए, या जो सब्जेक्ट मैटर है ये उसी को डिस्ट्रॉय कर दे, जब तक आप जजमेंट सुनाएंगे जब तक वो चीज ही नहीं बचेगी जिसकी बात है, तो ऐसे में कोर्ट क्या करेगा, या तो अरेस्ट करवा देगा या अटैचमेंट करा देगा। ये कब हो रहा है, जजमेंट के पहले। एग्जीक्यूशन में भी ये सब होगा, एक चीज आपने ये भी देखी कि डिक्री को एग्जीक्यूट कराने के लिए भी ये सब होगा, अरेस्ट और अटैचमेंट,
लेकिन हो सकता है उसके पहले ऐसी संभावना हो कि वो जो डिफेंडेंट है वो सब गायब करने पे आतुर है वो, तो कि प्रॉपर्टी नहीं रहेगी तो फिर काय का सूट क्या देंगे, ऐसा भी हो सकता है। या आप भागने की फिराक में, ऐसे में अरेस्ट और अटैचमेंट इन बिटवीन भी हो सकता है, जजमेंट और डिक्री के पहले हो सकता है, जजमेंट के पहले भी ये काम हो सकता है। उससे रिलेटेड भी चैप्टर। अब मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है जो कि डिस्प्यूटेड है, अब उस प्रॉपर्टी की जब तक फाइनल जजमेंट नहीं हो रहा कोर्ट का, तब तक उस प्रॉपर्टी की देखभाल होनी है मान लीजिए, वो कौन करेगा? तो उसके लिए एक व्यक्ति है सीआरपीसी में जिसको कहते हैं रिसीवर, इससे रिलेटेड भी प्रोविजन मिलेंगे, रिसीवर से रिलेटेड। सब्जेक्ट मैटर को संभालने के लिए होता है ये बेसिकली, रिसीवर, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। ऑर्डर 40 इसकी बात करता है, इसकी बात कौन करता है? इसकी बात ऑर्डर 40 करता है। ये पर्पस है इस रिसीवर का कि ये सब्जेक्ट मैटर ऑब्जेक्ट मैटर बचा तो रहा है, जब तक जजमेंट पहुंचे कोर्ट, जब तक कार्यक्रम बचा तो रहा है, पता चला पहले ही निपट गया सब, है ना, तो उसके उसको अपॉइंट कर दिया जाता है इन सब कामों के लिए बेसिकली। बाकी है बहुत सारा डिटेल, तो बहुत है, जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो चीजें मैं आपको इतने ब्रीफ में बता रहा हूं, अभी हम लोग पढ़ेंगे ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 6 days इन चीजों को थोड़ा डिटेल में, रूल वूल को। लेकिन ये किस पर्पस के लिए? प्री के लिए। जब अपन इन डेप्थ पढ़ते हैं, जो फाउंडेशन कोर्स में जो पढ़ाया जाता है उसमें मुझे 2 2 दिन लग जाते हैं एक एक टॉपिक में, ऐसे सीआरपीसी का था। अब जैसे सीआरपीसी है, मैंने आपको याद होगा इस क्रैश कोर्स में एक क्लास में इन्वेस्टिगेशन कराया 154 से लेके 167 सब। फाउंडेशन की क्लास में जब उस पे बात होती है तो वो जाता है 2 दिन सिर्फ 167, मेरे को 2 2 घंटे की 2 क्लास लगती है सिर्फ और सिर्फ 167, क्योंकि उसके अंदर और इंट्रिकेसीज हैं जो जानने लायक हैं आपके लिए, एग्जाम क्रैक करने के लिए भी और एग्जाम क्रैक करने के बाद काम करने के लिए भी। तो उसका अप्रोच वो है, उसका पर्पस अलग है, इसलिए वहां वैसे पढ़ते हैं। क्रैश कोर्स का पर्पस बिल्कुल अलग है, और ऐसे ही जब एमपीएडीपीओ का चल रहा था क्रैश कोर्स, तो वहां 2 क्लास और 3 क्लास में भी खत्म हुआ है। सो इट्स ऑल अबाउट पर्पस, किस पर्पस के लिए कब पढ़ रहे हैं अपन। तो अभी जो हमारा पर्पस है वो प्रिलिम्स है, लेकिन यकीन मानिए सीपीसी की चीजों को याद रखने और समझने के लिए ये बहुत जरूरी है जो हमने आज किया है। इससे आपको समझ में आएगा कि ये सब्जेक्ट है क्या। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो रिसीवर हो गया, इसके अलावा टेम्पररी इंजंक्शन से रिलेटेड भी चैप्टर आपको यहां मिलेगा, पूरा एक ऑर्डर मिलेगा, उसको भी देखिए आप। जरा ऑर्डर 39 की हेडिंग देखिए अपने बेयर एक्ट में आप, टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ये ऐसी ही चीजों के लिए है। ये टेम्पररी इंजंक्शन और इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर भी इन्हीं चीजों के लिए है बेसिकली, कि जब तक सूट का डिसीजन होगा तब तक तो साहब काम ही खराब हो जाएगा, अभी पहले कुछ तो आप करवाओ, कुछ तो रिलीफ दिलवाइए। तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर उन्हीं को कहते हैं जो प्रोसीडिंग के बीच में दे दिए जाते हैं। इंजंक्शन कुछ करने या ना करने का ऑर्डर, पता चला पार्टी सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय करने पर उतारू है, तो इस तरीके के ऑर्डर्स पास हो जाएंगे बीच में, इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स पास हो सकते हैं। ये सारी कहानी भी आपको यहां मिलेगी। अब आप ब्रॉडली देखेंगे तो ये जो स्टोरी में मैंने आपको सारी चीजें लिखी हैं, ये ही सीपीसी है, बस हो गया खत्म सीपीसी, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो आपने अभी कॉमन सेंस से ये बातें समझी कि इसके बाद ये होना चाहिए, इसके बाद ये और इसमें ये होना चाहिए, बस यही है पूरा सीपीसी, हो गया खत्म। कुछ दो चार बातें और बची हैं वो मैं अलग से बता देता हूँ आपको, ज्यादा कुछ नहीं, दैट्स ऑल अबाउट सीपीसी, हो गया। अब इन्हीं चीजों को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये ब्रॉड आइडिया अगर आपके पास है कि ये है क्या चीज, किस पर्पस के लिए है, देन यू यू विल बी एबल टू फिट दीज थिंग्स इन दैट स्टोरी प्रॉपरली, और तब आपको वो रूल का मतलब, अब आप इन ऑर्डर्स के रूल पढ़ेंगे तो आपके जहन में जाएगा कि ये चल क्या रहा है। पहले हमें उस ऑर्डर का पहले तो यही नहीं पता कि सेक्शन क्यों है, ऑर्डर क्यों है, और चलो ये भी पता है कि ऑर्डर क्यों है तो हमें ऑर्डर का पर्पस नहीं पता, हमें उस प्रोसेस में फिट नहीं हो रहा ऑर्डर किधर, कहां से ये बीच में आ गया, इसलिए प्रॉब्लम होती है। इसकी लैंग्वेज भी इजी है, सीपीसी की लैंग्वेज उतनी खतरनाक नहीं है जैसे एविडेंस की लैंग्वेज है। कई बार कुछ प्रोविजन में सीआरपीसी है, टीपी है, लैंग्वेज ही खतरनाक, इधर ऐसा नहीं है, सीपीसी इज इजी। सीपीसी की बस बेसिक प्रॉब्लम यही है कि ये मेजर कहानी नहीं है आपके पास, बस 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 इसी में प्रॉब्लम है सीपीसी। ठीक, चलिए,
अब जरा कंटेंट एक बार फिर निकालिए, एक बार मैं ब्रीफ में आपको वो चीजें बता दूं जो इस स्टोरी में नहीं आई है, कुछ और एडिशनल बातें हैं उसको समझ लेते हैं। तुरंत सीपीसी का कंटेंट निकाल लीजिए जरा, तो एक एक करके मैं आपको वो चीजें 5 मिनट में सारी बता दूं, तो फिर अपन पढ़ना चालू करेंगे सीपीसी एक्चुअली। अब उसके बाद आज अपन माहौल बना रहे थे, जैसे आप बनाते हैं जुडिशरी की तैयारी का माहौल, कि पहले बैरेट खरीद के लाएंगे, डिग्लॉट वाला, इंग्लिश वाला है तो पढ़ेंगे नहीं, हाँ पहले डिग्लॉट खरीद के लाएंगे, फिर कॉपी लाएंगे, रजिस्टर, फिर याद आएगा जब पढ़ने बैठेंगे कि अरे ब्लैक पेन नहीं है, तो फिर सो जाओगे कि कल ब्लैक पेन लेके आऊंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर ऐसा लगेगा कि चार्ट की जरूरत है एक, तो फिर सोचते हो फिर पढ़ूंगा, फिर चार्ट बनाऊंगा, पहले रूम में जज साहब की फोटो लगाऊंगा, जब माहौल ज्यादा बनता पढ़ाई कम होती। तो आज माहौल था सीपीसी का, आज पढ़ाई नहीं थी सीपीसी की, आज माहौल था सीपीसी, बट दैट वॉज पर्पसफुल माहौल है ना, इसका बहुत पर्पस है आगे की चीजें पढ़ने में, ये ऐसा ही नहीं है। चलिए जरा सेक्शंस पे आइए, तुरंत प्रिलिमिनरी वाला पार्ट देखिए, बेसिक बातें बताई हैं, शॉर्ट टाइटल, डेफिनेशन और उससे रिलेटेड, एक पिक्यूनरी मैंने आपको ऑलरेडी स्टोरी में समझा दिया, सेक्शन 6। उसके बाद पार्ट 1 देखिए, सूट्स इन जनरल में ज्यूरिसडिक्शन वाली बात, 9 से 25 इस कहानी में आ गया पूरा, वो मैंने आपको उसका सिग्निफिकेंस वहां बता दिया। इसके बाद देखा आपने इसका सब हेडिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, 26 के ऊपर जो हेडिंग लिखी वो अलग आ गया इधर, समन्स एंड डिस्कवरी 27 से 32, उसकी भी बात मैंने कर दी, क्या पर्पस है, कहां आता स्टोरी में, क्या है डिस्कवरी, चल क्या रहा है, क्यों कर रहे डिस्कवरी, वो समझ में आया ना, फैक्ट्स को ज्यादा जानने के लिए इंटरोगेटरीज भेजी जाएंगी पार्टीज द्वारा मैटर को समझने के लिए, दैट्स हाउ इट इज। इसके बाद देखिए नेक्स्ट सब हेडिंग जजमेंट एंड डिग्री, तो आपके समझ में आ गया, एंड में आएगा जजमेंट, सेक्शन 33 उसकी बात करता है, इंटरेस्ट कि भाई जो पैसा वैसा इसमें है उस पर इंटरेस्ट भी दिलाया जाएगा इस प्रोसीडिंग में, जो पैसा इन्वॉल्व है, कॉस्ट है, मान लीजिए डिग्री आई कि हाँ आपको इसको इतना पैसा देना, जो भी इंटरेस्ट बन रहा है वो भी दिलवाया जाएगा। फिर कॉस्ट की बात भी मैंने आपको बता दी, क्योंकि आपने किसी पार्टी को अननेसेसरी सता के कोर्ट ले आए हो आप उसे, और जब आप उसे अननेसेसरी कोर्ट ले आए हो तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे दूसरी पार्टी को जजमेंट के बाद, कॉस्ट होता है वो। उसके बाद पार्ट 2 देखिए एग्जीक्यूशन, ये पूरा एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है जो मैं आपको इसी स्टोरी में समझा चुका हूं, दोबारा जाने की जरूरत नहीं है। पार्ट 3 देखिए इंसिडेंटल प्रोसीडिंग कमीशन, इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी इस स्टोरी में, कमीशन का क्या रोल है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे, सूट्स इन पर्टिकुलर केस, ये एक डिफरेंट बात है जो इस स्टोरी में नहीं आई है, तो उसका भी ब्रीफ समझ लीजिए। हेडिंग पढ़िए इसकी, जो सब हेडिंग है, सूट्स बाय और अगेंस्ट द गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। अब ये किसके अगेंस्ट सूट की बात कर रहे हैं, सरकार सरकार और पब्लिक ऑफिसर्स, सरकारी लोगों के अगेंस्ट जो उन्होंने ऑफिशियल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी में, क्योंकि उनके लिए स्पेशल प्रोविजन बनाना पड़ेगा। अब यहां भी सिंपल बात है, जो सरकारी कर्मचारी है वो भी फ्री नहीं है जबरदस्ती, क्योंकि हर आदमी उनसे डील कर रहा है ना, सरकारी कर्मचारी से हर आदमी डील कर रहा है, वो सूट ही, वो पता चला काम छोड़ के वो भाई कोर्ट ही अटेंड कर रहे हैं, इसीलिए उस पर थोड़े सेफगार्ड्स हैं, उनका प्रोसीजर थोड़ा सा कुछ उनके लिए स्पेशल चीजें बताई गई हैं उनसे रिलेटेड, ताकि वो अपना काम भी कर पाए, सिर्फ कोर्ट में जाके केस ना लड़े, है ना, हर कोई उनके अगेंस्ट सूट फाइल करने को ही बैठा है, इसीलिए स्पेशल प्रोविजन उनके रिगार्डिंग दिए गए हैं इधर पे, सबसे पहले उनके लिए। उसके बाद नीचे आप इंटरप्लीडर भी देखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 88 के ऊपर जो हेडिंग लिखी है इंटरप्लीडर, वो सब बताऊंगा मैं आपको। अभी जब अपन पढ़ना चालू करेंगे सीपीसी, तो याद तो कर ही लेंगे प्रोविजन, समझेंगे भी है क्या इंटरप्रिटर कौन है क्या है, पूरा समझाऊंगा हिंदी में आपको। उसके बाद देखिए पार्ट 5 स्पेशल प्रोसीडिंग, ये भी एडिशनल चीज है जो इस स्टोरी में कवर नहीं हुई है। स्पेशल प्रोसीडिंग में आप देखिए आर्बिट्रेशन, फंडा वही है, कोर्ट को अपना समय बचाना है, दो लोग डिस्प्यूट लेके आएंगे, कोर्ट बोलता है ऐसा करो बाहर निपट लो, मीडिएशन देख लो, आर्बिट्रेशन के थ्रू देख लो आप, एडिशनल चीज है, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट देख लीजिए आप उधर समझ लीजिए, फिर भी ना हो पाए तो आना हमारे पास, लेकिन पहले कोशिश करिए कि बाहर समझ लीजिए, क्योंकि हमारे पास वैसे ही बहुत काम है, ओवरबर्डन है और नंबर ऑफ जजेस कम है, क्योंकि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे ना, वो बैठ के दिन भर इसमें ही लगे हैं। क्या है जज बनने का सही तरीका, कैसे करें जुडिशरी की तैयारी, दिन भर उनका इसमें जा रहा, कर नहीं रहे, देख सब लिया, कैसे करें जुडिशरी की तैयारी, कर नहीं रहे, दिन भर वही देख रहे,
तो फिर कहां से बर्डन रिड्यूस हुआ भाई साहब? इसलिए कोर्ट ने ये सब बना लिया अपने लिए कि वो फिर कोर्ट भी कहता बाहर ही देख लो भाई, इधर मत आओ, हमारे पास वैसे बहुत काम, जो थोड़े बहुत बन रहा है वो ये बोलते हैं। इसीलिए इस तरीके के प्रोविजंस भी आपको मिलेंगे यहाँ। ठीक, और कुछ स्पेशल पब्लिक न्यूसेंस से रिलेटेड इसमें सेक्शंस मिलेंगे आपको। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आइए, सप्लीमेंटल प्रोसीडिंग्स। यहाँ कुछ बेसिक बातें और मिलेंगी, जैसे वो मैंने कहा ना, अटैचमेंट, अरेस्ट, जो ऑर्डर में अपन ने देख लिया ड्यूरिंग जजमेंट, जजमेंट के पहले, जजमेंट आने के पहले जो अपन ने देखा अरेस्ट अटैचमेंट, उससे रिलेटेड सेक्शंस भी आपको मिल जाएंगे इन चीजों से रिलेटेड। इसके बाद देखिए अपील्स, अपील्स भी आएंगी, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो अपनी जगह, मैंने कहा ना जो पार्टी हारी है जिसके अगेंस्ट जजमेंट आया वो अपील में भी जा सकता है, क्या जो पार्टी, जिस पार्टी के फेवर में डिक्री आई है क्या वो भी अपील में जा सकती है? सीआरपीसी में भी अपील पड़ा है अपन ने हर केस में, ऐसे ही अपील इधर पे भी पढ़ना है। तो इस स्टोरी में भी वो चीज आई थी अपील, और यहां आप देख लीजिए सेक्शन दिए हैं 96 से लेके 112 अपील से रिलेटेड, और ऑर्डर्स में भी ये चीज आपको मिल जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट, रेफरेंस रिव्यू और रिविजन। जैसे सीआरपीसी में देखा था हाईकोर्ट के पास रेफरेंस जाता है, और वहां रिविजन भी था, रिव्यू नहीं था, क्योंकि क्रिमिनल कोर्ट को अपने ही जजमेंट को दोबारा रिव्यू करने का अधिकार नहीं दिया गया है, सिविल कोर्ट को वो भी दिया गया है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे अपन, तीन सेक्शन 113, 14, 15, ये इस कहानी में नहीं था, क्योंकि ये सब कार्यक्रम के साथ ये भी है कि होने के बाद अपील तो एक ऑप्शन है, एक तो एग्जीक्यूशन है, एक अपील है, उसके अलावा ये सब भी है, रेफरेंस रिव्यू रिविजन भी है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू दी हाई कोर्ट नॉट बीइंग दी कोर्ट ऑफ अ जुडिशियल कमिश्नर। हाई कोर्ट से रिलेटेड कुछ स्पेशल प्रोविजन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल, इसलिए जनरली इनको अपन नहीं पढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में रूल मेकिंग पावर बताया है कि किस किस के पास राइट है, क्या कौन अमेंड कर सकता है, कौन रूल बनाएगा, वो सारी बातें अपन पढ़ेंगे कल, थोड़ा बहुत बेसिक, बहुत ज्यादा प्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब, ये वाले आखिरी के पार्ट्स। मिसलेनियस में कुछ कुछ बेसिक बातें मिसलेनियस में भी पढ़ेंगे, कुछ ऐसी चीजें जो इस कहानी में नहीं आई है, जैसे केवेट वगैरह, ये सारी बातें अपन इधर पे भी, मिसलेनियस में भी कुछ एडिशनल बातें, मेजोरिटी ऑफ चीजें स्टोरी में आप देखेंगे खत्म हो गया। ठीक, इसके बाद आप देखिए ऑर्डर्स पे आइए। तो ऑर्डर्स में ऑर्डर वन हमने इस स्टोरी में कवर कर लिया, पार्टीज टू सूट, फ्रेम ऑफ सूट ऑर्डर टू में कवर कर लिया। ऑर्डर थ्री देखिए, जिसको मैंने उस स्टोरी में कवर नहीं किया, रिकॉग्नाइज एजेंट्स एंड प्लीडर्स। अब जब आप, हमने पार्टीज की बात कर ली, प्लेंटिफ डिफेंडेंट, तो उनके बिहाफ में प्लीडर आएंगे, उससे रिलेटेड ये एक ऑर्डर सेपरेटली दिया हुआ है। जनरली रूल वूल पढ़ते नहीं है प्री में, सिर्फ ऑर्डर का नंबर पूछा जाता है, और बहुत बार प्री में पूछा जाता है ऑर्डर थ्री में क्या है, रिकॉग्नाइज एजेंट एंड प्लीडर्स, ये ध्यान रखिएगा। ऑर्डर फोर स्टोरी में आ गया, फाइव आ गया, उसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए सिक्स, हमने प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट की बात करी कि प्लेंट सेवन में दिया है, रिटर्न स्टेटमेंट एट में दिया है, इन दोनों को ही कलेक्टिवली बोला जाता है प्लीडिंग्स। प्लेंट और रिटर्न स्टेटमेंट को कलेक्टिवली बोलते हैं प्लीडिंग्स। इसमें अगर अमेंडमेंट करना है तो क्या होगा, हो सकता है क्या? इन सब से, इस प्लीडिंग से रिलेटेड जो जनरल बातें हैं वो आपको मिलेंगी ऑर्डर सिक्स में, और उसके बाद स्पेसिफिक मिलेगा, क्योंकि प्लीडिंग्स मतलब दोनों, प्लेंट ऑफ और रिटर्न स्टेटमेंट, दोनों से रिलेटेड जनरल बातें ऑर्डर सिक्स में, ऑर्डर सेवन में स्पेसिफिकली प्लेंट के बारे में, ऑर्डर एट में स्पेसिफिकली रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में। और फिर नाइन ऑनवर्ड्स तो आपने कहानी सुनी ली, ऑर्डर नाइन आपकी स्टोरी में आ गया, टेन आ गया, इलेवन आ गया, ट्वेल्व आ गया, थर्टीन हमने छोड़ दिया था, सीधे फोर्टीन पे गए थे। थर्टीन देखिए, प्रोडक्शन, इंपाउंडिंग एंड रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने प्रोड्यूस होंगे वो कैसे होंगे, और उनकी इंपाउंडिंग कोर्ट जब्त भी कर सकता है। रूल वूल से प्री में क्वेश्चन नहीं आते, सिर्फ ऑर्डर नंबर याद रखना आपको, इसलिए स्टोरी में भी नहीं आया वो। उसके बाद आएगा आपका ऑर्डर 14, वो स्टोरी में आ गया, आप समझ गए हैं उसको क्या है वो। डिस्पोजल 15 भी मैंने आपको बता दिया, 16 भी आपको बता दिया यहाँ, है ना। उसके बाद 17 है एडजर्नमेंट्स की बात करता है, इसमें भी सभी अंदर से क्वेश्चन नहीं आते भाई, जब प्रोसीडिंग चल रही है तो रोज तो होगी नहीं, एडजर्न भी होगा, प्रोसीडिंग्स एडजर्न होती हैं, पोस्टपोन होती हैं, उससे रिलेटेड बातें आपको इस ऑर्डर में मिल जाएंगी। फिर अगला ऑर्डर तो हियरिंग ऑफ द सूट एंड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, ये मैंने आपको पूरा बता दिया अलोंग विद रूल्स। उसके बाद एफिडेविट्स हैं, तो एफिडेविट पे कैसे चीजें ली जाएंगी वो मैंने आपको बता दिया, क्या पर्पस है एफिडेविट का, ऑथेंटिसिटी बढ़ाना बेसिक पर्पस है इंफॉर्मेशन का।
इसलिए एफिडेविट के फॉर्म में मांग ली जाती हैं वो चीजें आपसे। फिर जजमेंट एंड डिग्री आ गया, ये पूरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। कॉस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, क्या पर्पस है क्या है वो पूरा यहां दिया हुआ है। उसके बाद एग्जीक्यूशन दिया है, डिग्री आ गई है, उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो वो सारी बातें आपको इधर मिल जाएंगी पूरे इसमें। इसके अलावा जो एडिशनल चीजें, एक और बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज आपको देखने को मिलेगी, इसके लिए आप देखिए जरा ऑर्डर 22। आप 21 में तो एग्जीक्यूशन बता दिया, ऑर्डर 22 स्टोरी में नहीं आया था, डेथ मैरिज एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टी। देखिए बीच प्रोसीडिंग में अगर किसी पार्टी की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, या उसकी शादी हो गई तो क्या होगा, बीच प्रोसीडिंग में क्या करेंगे, फिर कैसे कंटिन्यू होगा, ये सारी बातें भी आपको मिलेंगी। अब आप सीपीसी लिखने वाले का जरा आप वो देखिए, परसेप्शन क्या है, इस ऑर्डर का नाम देखिए, डेथ, या तो आप मर जाएं या तो आप इंसॉल्वेंट हो जाएं, इंसॉल्वेंसी, या आपकी शादी हो जाए, मतलब क्या कोरिलेट किया भाई ने, या तो आपकी डेथ हो जाए, या तो आप इंसॉल्वेंट हो जाए, या आपकी शादी हो जाए, तीनों को एक में गिन दिया भाई ने, तीनों में से कुछ भी हो जाए, ये मतलब जो सिमिलैरिटी बिठाने का वो देखा आपने, कितना बढ़िया है, डेथ मैरिज इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टीज, इसको पढ़ के लग रहा तीनों एक ही बात है, या तो निपट जाइए, इंसॉल्वेंट हो जाइए, शादी कर लीजिए, बट इसका इम्पैक्ट अलग है, अभी उसके बारे में बात कर, जब अपन पढ़ेंगे अभी डिटेल में उस बारे में बात करूंगा मैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑर्डर 23, विड्रॉल इन एडजस्टमेंट ऑफ सूट। अब जब आपने सूट फाइल कर दिया, हो सकता है बीच में हृदय परिवर्तन हो गया, विड्रॉ करने का मन किया, ऐसे ही अपन ने सीआरपीसी में विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन देखा था, इधर पे जिसने भी सूट फाइल किया उसका मन हो गया बीच में हृदय परिवर्तन, कि नहीं यार आपने मान लीजिए मेरे अगेंस्ट सूट फाइल कर तो दिया था, लेकिन बाद में लगा कि नहीं यार ठीक ठाक व्यक्ति हैं, पढ़ाया तो था ही इनने, छोड़ दो रहन दो, तो विड्रॉ करना है आपको, वो प्रोसीजर इधर मिल जाएगा आपको। इसके बाद अगले जो कुछ ऑर्डर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे नेक्स्ट ऑर्डर है पेमेंट इनटू कोर्ट, कोर्ट में जो पेमेंट्स होने हैं वो कैसे होंगे, उससे रिलेटेड रूल्स हैं। फिर सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बेसिक बात मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। कमीशंस इंपॉर्टेंट है, अपन पढ़ चुके हैं रूल्स, जो दो क्वेश्चन नहीं आते प्री में, ये सब मैं आपको अभी एक एक करके क्लास में सब बताऊंगा कि कहां से प्री का क्वेश्चन आएगा और कहां से नहीं आएगा, ठीक। सो कमीशन के बारे में पूरा एक ऑर्डर है, बट जनरली क्वेश्चन इससे नहीं आते। उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर, अब जो ऑर्डर स्टार्ट हो रहे हैं 27 ऑनवर्ड्स, इनमें ऑर्डर नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस ऑर्डर में क्या है, ये स्पेसिफिक, क्योंकि कुछ नेचर ऑफ सूट, कुछ स्पेसिफिक सूट्स की बात है, उनमें क्या स्पेशल चीज होगी। जैसे इसमें देखिए आप 27 में सूट्स बाय और अगेंस्ट दी गवर्नमेंट और पब्लिक ऑफिसर्स, वही मैंने सेक्शन में भी बताया, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन। अगला ऑर्डर देखिए सूट्स इन्वॉल्विंग अ सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ, जहां क्वेश्चन ऑफ लॉ डिसाइड होना है उसमें कैसे होगा। अगला ऑर्डर देखिए सूट्स बाय और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन, उनके लिए अलग प्रोविजन बना दिया डिफेंस वालों के लिए। फिर आगे सूट्स बाय और अगेंस्ट कॉर्पोरेशंस, उनके अगेंस्ट कैसे होगा सूट। नेक्स्ट ऑर्डर में सूट बाय और अगेंस्ट फर्म एंड पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस इन नेम अदर देन देयर ओन, फर्म्स के नाम में जो काम हो रहा है उसके अगेंस्ट अगर सूट फाइल होगा तो क्या प्रोसीजर अपनाया जाएगा, ये स्पेसिफिक चीजें जनरली एग्जाम में आती नहीं है, इसीलिए इधर पे सिर्फ ऑर्डर नंबर याद करना रहेगा, इसीलिए वो उधर आया नहीं आपकी स्टोरी में, नहीं आया इसीलिए आप देख रहे हैं, है ना। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर देखिए सूट बाय और अगेंस्ट ट्रस्टीज, ये भी सिमिलर उसी तरीके का स्पेशल प्रोविजन। इसके बाद सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के लिए। अब पार्टी अगर माइनर है, अनसाउंड माइंड की है, तो उनके बिहाफ पे ऑब्वियसली बात है कोई और करेगा, क्योंकि वो तो कॉम्पिटेंट नहीं है, तो उस बारे में पूरा प्रोविजन इधर दिया है, और ये ऑर्डर काफी इंपॉर्टेंट है जो हमारी उस स्टोरी में नहीं आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 32 सूट्स बाय और अगेंस्ट माइनर एंड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, इधर इसको अपन पढ़ेंगे प्री के लिए भी। इसके बाद सूट्स रिलेटिंग टू मैटर्स कंसर्निंग दी फैमिली, फैमिली मैटर्स में किस तरीके से क्या स्पेशल चीजें होंगी वो बताई हुई है, बट एग्जाम में नहीं आती। सूट्स बाय इंडिजेंट पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला ऑर्डर 33 बहुत इंपॉर्टेंट है। सूट्स बाय इंडिजेंट मतलब जिसके पास पैसे ही नहीं है, गरीब व्यक्ति, दरिद्र व्यक्ति, गरीब, पैसे नहीं है जिसके पास, वो कैसे है, क्योंकि भैया सूट फाइल करोगे कॉस्ट वॉस्ट देनी पड़ेगी, वो सारी बातें, फीस, कोर्ट फीस तो देनी पड़ती है, अब आपके पास वही पैसे नहीं है, तो उससे रिलेटेड प्रोविजन इधर पे पूरे बताए हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर देखिए सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर मॉर्गेज हुआ है तो वो उससे रिलेटेड पूरा है ये सूट, ऑर्डर पूरा उससे रिलेटेड बताया गया है, बट एग्जाम में नहीं आता जैसे मैंने कहा।
इसके बाद इंटरप्लीटर, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताऊंगा। ये स्पेसिफिक नेचर का सूट होता है, इसीलिए उस स्टोरी में नहीं आया जो जनरल थी। हमने जो थीम बनाई सीपीसी की, जो स्टोरी बनाई वो जनरल बातों पे बनाई कि एक जनरल सूट कैसा होगा, ये कुछ स्पेशल चीज है इसलिए वो स्टोरी में नहीं आए। एग्जाम के लिए जो रेलेवेंट होगा वो मैं आपको क्लास में बताऊंगा। इसके बाद स्पेशल केस, समरी प्रोसीजर, ये भी अलग चीज है। समरी प्रोसीजर आप जानते हैं, सीआरपीसी में भी आपने पढ़ा है कि ब्रीफ में कैसे निपटाया जाएगा। उसके बाद अगला ऑर्डर हमारी स्टोरी में आया था अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, पर्पस वर्पस सब मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगला टेम्पररी इंजंक्शन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर, ये भी मैंने आपको बता दिया होता क्या है। अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। फिर आ जाएंगी अपील्स, अपील से रिलेटेड ऑर्डर, अपील फ्रॉम ओरिजिनल डिक्री दैट इज 41। उसके बाद अपील्स फ्रॉम एपेलेट डिक्रीज, अपील्स फ्रॉम ऑर्डर्स, अपील बाय इंडिजेंट, अपील के अलग अलग वेरिएशन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर रेफरेंस रिव्यू रिविजन जो सेक्शन में दिया है, सब्सटेंशियल पार्ट, उसी के करेस्पॉन्डिंग ऑर्डर्स, एंड दैट्स हाउ सीपीसी कम्स टू एन एंड। ये हो गया सीपीसी खत्म आपका। अब आई होप इस क्लास के बाद आपके दिमाग में स्ट्रक्चरिंग बैठ गई है सीपीसी की, कि ये जो इतने सारे सेक्शन इतने सारे ऑर्डर हैं ये है क्या। इस पूरी स्टोरी को जो मैंने आपको इस अलग अलग 5 स्लाइड्स में बताया है ये आपको जहन में रखना है, तो सीपीसी आपके लिए इजी है। अब स्टार्ट करेंगे कल से हम लोग इसको पढ़ना, ठीक 9 बजे आइए। और जैसा मैंने आपको बार बार बताया है कि सीपीसी की लगभग 7 से 8 क्लासेस में लूंगा, है ना, आज की मिला के। इसके अलावा 6 से 7 क्लासेस और होंगी, डिपेंडिंग ऑन की कितना अपना चलता है। तो बस ठीक, बाकी ये अगर आपके समझ में आ गया है तो बिलीव मी अब आप बेरट खुद उठा के भी बहुत कुछ पढ़ लेंगे और बहुत कुछ आप समझ सकते हैं खुद से, अगर आपने ये स्टोरी आज की 2 घंटे की पूरी समझ ली है तो, कि सीपीसी है क्या चीज। एंड आई होप एंड आई विश कि इसको सुनने के बाद आपको सीपीसी थोड़ा आसान लगे, है ना। और जैसा मैंने आपको कहा है कि सीपीसी, उसके बाद एविडेंस भी होगा 9 बजे, वो भी मैं कराऊंगा आपको। और इसी तरीके से पहले उस सब्जेक्ट को भी आसान करेंगे फिर पढ़ेंगे, पहले आसान कर लेंगे अपने लिए सब्जेक्ट फिर पढ़ेंगे, है ना। एविडेंस भी अपन ऐसे ही पढ़ेंगे, सीआरपीसी भी ऐसे ही पढ़ा था, सीपीसी भी वैसे ही पढ़ेंगे। तो आप कल से आइए 9 बजे, बेरेट ले लीजिए, सब लेके आ जाइए, ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद अधिवक्ता अटल कुमार तिवारी जी। और जैसा मैंने कहा कि मेंस का भी अगर आप इच्छुक हैं तो वो सब दिखना चाहिए, इधर वीडियो शेयर होना चाहिए, लाइक्स होने चाहिए, इतना मतलब ही मत बनिए। और लाइव खत्म होने के बाद कमेंट्स आने चाहिए ताकि बाद में जो लोग देखें उन्हें भी समझ में आए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं रहे हैं फॉर्मली, लेकिन इतना मतलब ही नहीं होना है। कहानी उसी की थी आज पूरी, सब्सक्रिप्शन की, लाइक्स की और सब्सक्राइबर्स की, ठीक है। तो इस कहानी को ध्यान रखिएगा जरा। चलिए कल आ जाइए 9 बजे, उसके पहले जो क्लासेस हैं वो अटेंड करिए भाई। पीआईएल की क्लासेस चल रही हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ यूपी के लिए, जीएस की रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, उनको अटेंड करिए, क्योंकि इस बार पार करना है। हमको वो वाली इज्जत नहीं चाहिए मोहल्ले वाली कि भैया ने प्री निकाला है, प्री के क्लोज गए हैं, ये दीदी का तो 4 नंबर से रुका है, ये नहीं चाहिए। हमको जज बनना है, ये क्लियर रखिए दिमाग में अपने, ठीक है। चलिए कल से स्टार्ट करते हैं, 9 बजे आ जाइए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड नाइट एवरीवन।